हेलो बच्चों, आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का नाम है बच्चा पार्टनरशिप। हिंदी में इसको बोलते हैं साझा। तो पार्टनरशिप के सवालों में भी हमने आपको बताया था कि इसमें जो कॉन्सेप्ट लगता है वो कॉन्सेप्ट लगता है रेशियो का, और इसका थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में अभी हम लोग सीखेंगे कि भाई इसका अपना खुद से क्या कॉन्सेप्ट है और उसको बाकी हम कैसे करते हैं। तो देखो, अगर हम रेशियो चैप्टर अच्छे से पढ़ते हैं तो रेशियो हमारा कवर होता है, हमारा एज कवर होता है, हमारा पार्टनरशिप कवर होता है, और हमारा आगे आने वाले चैप्टर जो मिक्सचर एलिगेशन है उसमें भी रेशियो का बहुत अच्छा खासा यूज रहता है। तो पार्टनरशिप भी आप ऐसे समझ सकते हो कि पूरा का पूरा रेशियो बेस्ड ही है। इसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका रेशियो का लगेगा और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप का लगेगा। तो चलो भाई, समझने की कोशिश करते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है, कैसे वर्क करता है और किस तरीके के सवाल आते हैं और कैसे उनको हम लोग हल करेंगे। तो भाई, पार्टनरशिप होता है जैसे कुछ लोग आदमी होते हैं वो बिजनेस करते हैं, तो कई बार आदमी क्या करता है, अकेले बिजनेस करता है, और कई बार आदमी क्या करता है कि कई सारे लोगों के साथ में मिलकर बिजनेस करता है। दो लोग हो सकते हैं, तीन लोग हो सकते हैं, चार लोग हो सकते हैं, पांच लोग हो सकते हैं। तो जब कई सारे लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कई सारे लोगों का पैसा लगता है। कई बार पैसा बराबर बराबर लगता है, लेकिन कई बार पैसा क्या लगता है, अलग अलग लगता है। तो भाई, अंत में जब उनको प्रॉफिट होता है तो उन्हें क्या करना होता है, उस प्रॉफिट को, जो अंत में लाभ होता है, उस लाभ को आपस में बांटना होता है। तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है कि भाई हम लाभ को कैसे बांटें। तो भाई कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे अगर भाई दो आदमी हैं, अगर पैसा बराबर बराबर लगाएंगे तो बोलेंगे भैया साल भर, मान लो कोई एक समय है, फिक्स टाइम है, साल भर हो गया, दो साल हो गया, तीन साल हो गया। अगर वो लोग मान लो साल भर के बाद में कुछ पैसा लाभ के रूप में प्राप्त हुआ और उस लाभ को उन दोनों लोगों को बांटना है, तो बहुत ही आसान है, बोलेंगे भाई हमने जितना पैसा लगाया, दूसरा वाला बोलेगा उतना हमने भी पैसा लगा, तो बोलो ठीक है भाई जितना प्रॉफिट हुआ आधा आधा बांट लो। अगर भाई दोनों ने बराबर बराबर पैसा लगाया है तो दोनों आधा आधा क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। अगर मान लो किसी ने ज्यादा पैसा लगाया है और किसी ने कम पैसा लगाया है, बाद में जब साल में टोटल साल के अंत में लाभ मिलेगा, फिर भाई लाभ बटेगा, तो अगर आधा आधा बांटोगे तो भाई जिसने कम पैसा लगाया उसको तो ज्यादा लाभ हो जाएगा, जिसने ज्यादा पैसा लगाया उसको नुकसान हो जाएगा। तो भाई लड़ाई हो जाएगी, कहेंगे नहीं भाई हम ऐसा थोड़े ना करेंगे, पैसा हम ज्यादा लगाएं और लाभ आधा आधा बटे। तो भाई वो लोग कहेंगे कि नहीं, चलो भाई जिस अनुपात में पैसा लगाया, क्या जिस अनुपात में पैसा लगाया उस अनुपात में पैसा बांट लेते हैं। तो बस यहीं से आपकी पार्टनरशिप की कहानी स्टार्ट होती है कि पहला पॉइंट यह है कि समान समय के लिए लाभ का अनुपात उसी अनुपात के बराबर होता है जिस अनुपात में वो लोग क्या करते हैं बच्चा, पैसा लगाते हैं। तो लाभ का अनुपात लागत के अनुपात, लागत बोले तो इन्वेस्टमेंट, जिस रेशियो में पैसा लगाएंगे, समान समय के लिए लाभ का अनुपात लागत के अनुपात में रहता है। पहला पॉइंट ये हो गया। ये तो बहुत ही आसान सी बात है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो दो आदमी है, कितने आदमी है, दो आदमी है। एक आदमी ने बच्चा 5,000 रुपए लगाया, इतना रुपए लगाया। दूसरे आदमी ने बच्चा 7,000 रुपए लगाया, इतना रुपए लगाया। तो अगर मैं बोलूं ये उनके इन्वेस्टमेंट लागत का अनुपात है, अगर मैं पूछूं उनके लाभ का अनुपात क्या होगा, तो आप बोलोगे जिस अनुपात में पैसा लगाया उसी अनुपात में क्या हो जाएगा, इनका लाभ मिलेगा। अगर मैं बोलूं कि भाई कुल लाभ इनको मिलता है 4,800 रुपए है, तो भाई पहले वाले को कितना मिलेगा, दूसरे वाले को कितना मिलेगा। इस अनुपात में पैसा लगाया है और टोटल लाभ कितना है समान समय के लिए 4,800 रुपए है, तो भाई पहले वाले को कितना मिलेगा, दूसरे वाले को कितना मिलेगा। जिस रेशियो में पैसा लगाया है उसी रेशियो में क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। अगर इसको 5 मिलेगा तो इसको 7 मिलेगा, तो टोटल कितना रहा होगा, 12। अगर टोटल 12 है तो इसको 5 मिलेगा और इसको कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। लेकिन सवाल के हिसाब से मैंने क्या बोला कि ये किसके बराबर है, 4,800 के बराबर। 12 का मान 4,800 के बराबर है, तो एक का मान बच्चा किसके बराबर हो गया, 400 के बराबर, और इसका मान किसके बराबर हो गया बच्चा, 2,000 के बराबर, और इसका मान किसके बराबर हो गया बच्चा, 2,800 के बराबर। कहने का मतलब यह है कि 4,800 के लाभ में 2,000 इसको मिल जाएगा और
2800 इसको मिल जाएगा। तो भाई जिस रेशियो में हमने क्या लगाया, पैसा लगाया, उसी रेशियो में हमारा क्या बढ़ गया, लाभ बढ़ गया। लेकिन कंडीशन क्या थी कि हमने किस समय के लिए लगाया है बच्चा, समान समय के लिए लगाया है। जो हमारा स्टार्टिंग में पॉइंट था वो क्या था, टाइम सेम था, समान समय के लिए पैसा लगाया। अगर मान लो भाई हम पैसा भी बदल दें और समय भी बदल दें तो भाई वही बात है, फिर वही आदमी, जो आदमी ज्यादा पैसा लगाएगा वो कहेगा हमको ज्यादा लाभ चाहिए, और जो आदमी ज्यादा समय के लिए लगाएगा वो भी बोलेगा भाई हमको पैसा ज्यादा चाहिए। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये है लाभ का अनुपात, लागत और समय के गुणनफल के अनुपात में होगा। छोटे से एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं, सेम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो भाई एक आदमी ने 5000 रुपए लगाया और एक आदमी ने 7000 रुपए लगाया। अब क्या कह रहा है कि भाई मान लो साल भर का समय है तो पहले वाले आदमी ने 8 महीने के लिए लगाया और दूसरे वाले आदमी ने 12 महीने के लिए लगाया। भाई ऐसा मान लेते हैं कि ये जो हमारा पहला वाला आदमी है ये कितने महीने के लिए लगा रहा है, 8 महीने के लिए लगा रहा है, और ये वाला कितने महीने के लिए लगा रहा है, 12 महीने के लिए लगा रहा है। ठीक, तो अब हमारे लाभ का अनुपात क्या होगा, तो मैंने क्या बोला, अब हमारे लाभ का अनुपात बच्चा क्या हो जाएगा, लागत और समय के गुणनफल। लेकिन समय हमेशा याद रखना, अगर यहां पे समय महीने में लिया है तो यहां पे भी समय महीने में लेना है, अगर यहां पे समय साल में लिया है तो यहां पे भी समय साल में लेना है। जो समय का भाई यूनिट इकाई यहां पर रहेगी वही यूनिट की इकाई, वही समय की इकाई यहां पर भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि भाई यहां पे साल ले लिया, यहां पे महीना ले लिया, यहां पे महीना ले लिया, यहां पे साल ले लिया। जैसे अगर किसी सवाल में बोला जाए कि एक 6 महीने के लिए लगा रहा है और एक साल भर के लिए लगा रहा है, तो आप 6 महीना और 12 महीना ले सकते हो, या एक के लिए 1 साल और दूसरे के लिए आधा साल ले सकते हो। तो मैंने क्या बोला कि जब अब उनका जो प्रॉफिट का रेशियो है किस अनुपात में बटेगा, 5000 × 8 अनुपात 7000 × 12, 4 से कट जाएगा भाई, ये 3 0 तो 3 0 कट ही जाएंगे, 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = कितना हो जाएगा, 12, ये हो गया 10 और ये हो गया 21। तो अब हमारा पैसा किस रेशियो में बटेगा, 10 और 21 में। मान लो कि जो टोटल लाभ है बच्चे आप कितना है, 6200 है। मान लो टोटल लाभ हमारा कितना है, 6200 है। तो अगर कुल लाभ हमारा 6200 है, ये कुल लाभ है, तो पहले वाले का हिस्सा कितना होगा और दूसरे वाले का हिस्सा कितना होगा। आप बोलोगे मान लो टोटल हमारा कितना है, 6200, अगर पहले वाले को 10 मिल रहा है तो दूसरे वाले को कितना मिल रहा है, 31। टोटल बच्चा कितना है, 31। अगर कुल लाभ 31 है तो 31 में 10 पहले वाले का है और 21 बाद वाले का है। लेकिन सवाल के हिसाब से मैंने बोला कि जो 31 का मान है किसके बराबर है, 6200 के बराबर है। 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा बच्चा, 200 के बराबर हो जाएगा। तो 10 का मान किसके बराबर आ जाएगा, 2000 के बराबर आ जाएगा, और 21 का मान बच्चा कितने के बराबर आ जाएगा, 4200 के बराबर। देखो 6200 में 2000 इसको मिल गया, 4200 इसको। भाई इसने पैसा भी ज्यादा लगाया और ज्यादा समय के लिए भी लगाया तो इसका लाभ ज्यादा है, इसने कम पैसा लगाया और कम समय के लिए लगाया तो इसका लाभ बच्चा क्या आ गया, कम आ गया। तो पहला पॉइंट ये था कि भाई जिस रेशियो में पैसा लगाओगे, अगर समान समय के लिए पैसा लगा रहे हो तो उसी रेशियो में आपका लाभ बढ़ जाएगा। अगर भाई पैसा अलग अलग लगा रहे और अलग अलग समय के लिए लगा रहे हो तो पैसा गुणे समय, इस रेशियो में आपका क्या बढ़ जाएगा बच्चा, लाभ बढ़ जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट और, कई बार आपके एग्जाम में क्या होता है कि भाई तीन चीजें हो गई, तीन क्या क्या चीजें हो गई, पहला हो गया बच्चा पैसा, दूसरा बच्चा हमारा हो गया टाइम, और तीसरा बच्चा हमारा हो गया प्रॉफिट। तो मैंने क्या बोला, जब मनी में टाइम का गुणा करोगे तो तब क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। भाई मनी में टाइम का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट। जैसे किसी सवाल में भाई तीन आदमी है, ए बी और सी, भाई इन लोगों ने पैसा लगाया, मान लो पैसे का, जैसे ये अगर हम पीछे की बात करें तो 5000 और 7000 है,
मैं इसको पहले ही रेशियो में बदल लेता हूं। अगर मैं इसको पहले रेशियो में बदल लूंगा बच्चा, 5000 और 7000 का रेशियो कितना आ जाएगा, 5 और 7। और ये जो समय है अगर मैं इसको भी पहले से ही रेशियो में बदल लूं, इसको भी पहले से रेशियो में बदल लूं, 4 × 8 = 12, 2 और 3 हो गया। तो भाई अब इसका रेशियो और इसका रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो, अगर मैं इन दोनों का गुणा करूंगा तो बच्चा कितना आ जाएगा, 10, और इन दोनों का गुणा करूंगा बच्चा कितना आ जाएगा, 21। तो आप देख रहे हो मनी इंटू टाइम। इवन दो मनी का रेशियो और टाइम का रेशियो पहले वाले, मनी का रेशियो और टाइम का रेशियो दूसरे वाले, अगर इनका गुणा कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है, प्रॉफिट का रेशियो और प्रॉफिट का रेशियो। कहने का मतलब अगर हमें चाहे तो एक्चुअल वैल्यू मालूम है तो भी हमारा आंसर वही आएगा, अगर हमने उनका रेशियो ले लिया तो भी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर वही आएगा। कहने का मतलब मैं बोल रहा हूं कि तीन आदमी हैं, 5, 7, 9 के अनुपात में क्या करते हैं बच्चा, पैसा लगाते हैं। इस अनुपात में पैसा लगाते हैं, हो सकता है 5000 हो, 7000 हो, 9 हो जाओ, हो सकता है 500, 700, 900 हो, लेकिन अनुपात क्या आएगा, यही आएगा। और ये अलग अलग समय के लिए लगाते हैं, मान लो भाई ये 6 महीने के लिए लगाता है, ये 8 महीने के लिए लगाता है, ये 4 महीने के लिए लगाता है। तो बच्चा जो उनका प्रॉफिट हो जाएगा किस रेशियो में हो जाएगा, अगर ये पैसे का अनुपात है और ये समय का अनुपात है, हो सकता है ये महीने हो, समय एक्चुअल हो, या हो सकता है ये अनुपात हो, तो दोनों में आपका सेम चीज रहेगा। तो इनका जो प्रॉफिट हो जाएगा बच्चा किस रेशियो में आ जाएगा, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 56 और ये आ जाएगा 36। अभी क्या ये कट जाएगा किसी से, हाँ कट जाएगा, 2 से कट जाएगा बच्चा कितना आ जाएगा, 15। 2 से कट जाएगा कितना आ जाएगा, 28। और 2 से कट जाएगा बच्चा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और कट सकता है और नहीं कट सकता, और नहीं कटेगा, बस यहीं तक रहेगा। ठीक, बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ा जाए। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारे पास में प्रॉफिट का रेशियो दिया है और मनी का रेशियो दिया है, और आपको क्या निकालना है बच्चा, टाइम का रेशियो निकालना है, तो हमेशा याद रखना, जैसे अगर मैं बोलूं 1 × b बराबर क्या दे रखा है, सी, अगर मैंने बोला ये 4 है, अगर मैंने बोला ये 5 है, तो बच्चा कितना आता है, ये 20 आता है। अगर इसका और इसका मान दिया है तो बच्चा आप क्या कर सकते हो, इसका मान निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको इनमें से किसी एक का मान दिया है और इसका मान दिया है, अगर आपको ये निकालना है तो कैसे करेंगे। कहने का मतलब अगर किसी सवाल में आपको प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, प्रॉफिट का क्या दे रखा है, रेशियो, जैसे मान लो दे रखा है 4:5:6, ये क्या दे रखा है बच्चा, प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है। अब दो चीजें हमारे पास में बची, चाहे पैसे का अनुपात दे दे, चाहे समय का अनुपात। मान लो सवाल में दे देता है कि जो पैसा है उसको किस अनुपात में लगाते हैं बच्चा, 3:4:5, और आपसे पूछ ले कि समय का अनुपात क्या होगा, आपसे क्या पूछ ले, समय का अनुपात क्या होगा। आपको लाभ का अनुपात मालूम है, आपको पैसे का अनुपात मालूम है, आपको समय का अनुपात निकालना है। तो आपको यह मालूम है जब इनमें से इसका गुणा करते हैं तो कहां पर पहुंचते हैं, यहां पर पहुंचते हैं। तो अगर आपको यह मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें इसका भाग देना पड़ेगा। भाई अगर प्रॉफिट 4 है और इसमें जो पैसा है ये 3 है, तो भाई टाइम कितना रहा होगा, वो कितना हो जाएगा, जब इसमें इसका भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा 4/3, यह आ जाएगा बच्चा 5/4, और यह आ जाएगा 6/5। तो भाई ये हमारा क्या आ जाएगा, समय का रेशियो। ये रेशियो बच्चा सीधा सीधा नहीं, क्या करेंगे, 5 × 20 = 60 से क्या कर दोगे, पूरे में गुणा कर दोगे, 60 से क्या करोगे, गुणा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 240 हो जाएगा। 60 से गुणा करोगे बच्चा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अच्छा गड़बड़ कर दिया, 60 से गुणा करेंगे तो यहां पे 60 कट जाएगा, 20 आ जाएगा बच्चा, कितना बचेगा, 80। 60 से गुणा करेंगे तो 15 बचेगा, 15 बचे कितना हो जाएगा, 75। 60 से गुणा करेंगे तो 12 × 5 = 60 और 12 × 6 = 72। भाई ये हमारा क्या आ जाएगा, समय का अनुपात, ये हमारा क्या आ जाएगा, समय का अनुपात। अगर मान लो किसी सवाल में आपको प्रॉफिट दिया है और आपको टाइम दिया है और पैसे का अनुपात निकालना है तो क्या करोगे, जब आप प्रॉफिट में टाइम को भाग दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चा, पैसे का अनुपात। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब एक कॉन्सेप्ट आपका ये था, एक कॉन्सेप्ट आपका ये था जिसमें भाई अलग पैसा लगाया, अलग समय के लिए लगाया, और एक कॉन्सेप्ट जो सबसे सिंपल वाला है वो कॉन्सेप्ट ये है। और आप विश्वास करो कि पार्टनरशिप में बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हमारे पास में ये तरीके हैं कि हम कैसे सवालों को आसान करते हैं, सवालों को हम कैसे आसान करते हैं। तो अगर आपको प्रॉफिट का रेशियो निकालना है, अगर पैसे दे रखे हैं तो पैसे का रेशियो निकाल लो,
पैसा दे रखा है, समय दे रखा है, तो पैसा इंटू समय का रेशियो निकाल लो। और अगर कुछ भाषा में चेंज होता है तो उस भाषा के हिसाब से हमें सवालों को हल करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि जैसे तीन आदमी है या दो आदमी है, पैसा लगाते हैं, तो कोई आदमी 20 से चला जाता है या कोई आदमी 20 से आ जाता है। तो जो आदमी 20 से आ जाएगा तो भाई कुछ पैसा लेकर आएगा, और भाई 20 से आया तो कुछ समय के लिए आएगा, तो कॉन्सेप्ट कौन सा लग जाएगा, भाई कितना पैसा कितने समय के लिए लगाया। तो बस जो भी हमारे सवाल होंगे, या तो हमारा ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, या तो हमारा ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, और या तो हमारा ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगर इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट लगेगा तो वो हमारे सवाल की भाषा के हिसाब से लगेगा, पार्टनरशिप के लिए अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद में जो भाषा दी रहेगी, भाषा में खुद ही दिया रहेगा कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, उस हिसाब से हमें सवाल को हल करना पड़ेगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, तभी हमारी चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। अभी जो हमने धीरे धीरे बातें की हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखो, राम, श्याम और कमल ने मिलकर एक साझेदारी में व्यापार शुरू किया। तीन आदमी है, राम है, श्याम है, कमल है, और इन तीनों लोगों ने मिलकर क्या किया है, एक साझेदारी की शुरुआत की। पूंजी में उनका अनुपात क्रमशः 3:4:7 है। ये जो पूंजी है, पूंजी का मतलब जो लागत है, जो पैसा लगाए, जो इन्वेस्टमेंट है, उसका अनुपात बच्चा कितना है, 3:4:7। यदि उनका वार्षिक लाभांश 21,000 है तो कमल का लाभ अंश क्या होगा। भाई तीन लोग हैं, एक हमारे पास में राम है, एक हमारे पास में श्याम है, और एक हमारे पास में कौन है बच्चा, कमल है। कह रहे हैं कि इन लोगों ने किस अनुपात में पैसा लगाया है, 3:4:7। भाई चाहे पैसे का अनुपात दिया हो, चाहे पैसे की वैल्यू दियो, मेरे लिए दोनों सेम ही चीज है, मेरे को दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैसे का अनुपात दिया है तो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, और पैसे की वैल्यू दी है तो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। कह रहा है यदि अंत में वार्षिक लाभांश, मतलब एक साल के अंत में इतने रुपए का लाभ होता है, और ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि हमें मालूम चल सके कि राम, श्याम या कमल ने अलग अलग समय के लिए पैसा लगाया, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं। अगर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, ऐसा कोई बात नहीं बोला गया कि भाई इन तीनों लोगों ने अलग अलग समय के लिए पैसा लगाया, तो हम बच्चा ऐसा मानेंगे कि तीनों लोगों ने क्या है, समान समय के लिए पैसा लगाया। इसमें समय की बात नहीं कर रहा, मतलब तीनों लोगों का समय क्या है, समान। तो भाई जिस अनुपात में पैसा लगाएंगे उसी अनुपात में क्या मिल जाएगा, इनको लाभ मिल जाएगा। तो इनके जो लाभ का अनुपात होगा वो भी क्या हो जाएगा बच्चा, यही हो जाएगा। अगर राम को 3 मिलेगा तो श्याम को 4 मिलेगा, और कमल को कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। बात समझ में आ रही। तो भाई अगर मैं टोटल की बात करूं तो 7 × 3 = 10 कितना हो गया, 14। अगर कुल 14 का लाभ है तो राम को कितना मिलेगा, 3, श्याम को कितना मिलेगा, 4, और कमल को कितना मिलेगा, 7। कुल का मान दिया, और किसका मान पूछा जा रहा है, कमल का लाभांश। भाई 7 का मान पूछा जा रहा है, किसका मान दिया है, 14। जिसका मान निकालना उसको ऊपर, जिसका मान दिया उसको नीचे, और जो एक्चुअल मान दे रखा उसे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब देखो 7 × 2 = 14, 7 × 2 क्या हो जाएगा, 14, और 2 से काट दोगे तो 2 × 1 = 2 = 0 = 5। अब देखो 10,500, इसमें जो हमारा पीछे रेशियो का कॉन्सेप्ट है वो भी काम आएगा। जैसे अगर हमने बोला कि भाई राम, श्याम और कमल का जो लाभांश है वो 3:4:7 में है, तो कहने का मतलब जो भी कमल का लाभांश होगा उसमें 7 का मल्टीपल जरूर होगा। भाई 7 उसमें रहेगा ही रहेगा, क्यों, क्योंकि जब भी हम रेशियो निकालते हैं तो रेशियो में जो वैल्यू आती है वो क्या रहता है, सबसे छोटा एक फैक्टर रहता है, उसका सिंप्लीफाई वर्जन रहता है। कहने का मतलब 7 का तो मल्टीपल होगा ही होगा, जो भी हम लोग शॉर्टकट मेथड पढ़ते हैं, जो भी हम कहते हैं कि ऑप्शन से आंसर निकालते हैं, उसमें भाई क्या है, कमल में 7 आ रहा है रेशियो में, तो भाई जो भी कमल का पूंजी आए, सॉरी कमल का जो लाभ आएगा वो 7 का क्या रहेगा, मल्टीपल रहेगा। तो भाई 7 का मल्टीपल, ये 7 का मल्टीपल है नहीं, ये 7 का मल्टीपल है नहीं, 7 × 7 = 7 का मल्टीपल है नहीं, यही हमारा क्या है, 7 का मल्टीपल, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। इवन दो हमें ये जो छोटा सा कैलकुलेशन का पार्ट था, अगर हम ये भी ना करते तो हम ऑप्शन से बता सकते थे कि हमारा आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने रेशियो में देखा, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने एज में भी लगाया था, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आय व्यय के सवालों में भी लगाया था, और ये कॉन्सेप्ट आपका यहां पे भी लगेगा। तो जो हमारा रेशियो का शॉर्टकट मेथड है वो हर जगह लगता है, रेशियो के चैप्टर में लगेगा, आय व्यय में लगेगा, एज में लगेगा, अभी हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो पार्टनरशिप में लगेगा, अगर हम आगे मिक्सचर एलिगेशन पढ़ेंगे तो मिक्सचर एलिगेशन में भी लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
तीन भागीदार एक व्यवसाय में 2000, 2500 और 1000 लगाते हैं, लाभ 880 होने पर अंतिम भागीदार को कितनी लाभ राशि होगी? तीन भागीदार हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। भाई पहला है, दूसरा है और तीसरा है। पहला बच्चा कितना पैसा लगा रहा है? 2000 लगा रहा है, तो दूसरा बच्चा कितना पैसा लगा रहा है? 2500 लगा रहा है। और तीसरा कितना लगा रहा है बच्चा? 1000 लगा रहा है। देखो, 2 जीरो सभी में है तो इसको हटा दिया मैंने, 100 भाग दे दिया। फिर 5 से भाग चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 4। 5 से भाग दे देंगे तो कितना जाएगा? 5। और ये 5 से भाग दे दोगे तो कितना जाएगा? 2। 4:5:2 के अनुपात में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। और भाई आपको क्या कह रहा है कि जो आखिरी वाला है, अंतिम भागीदार, अंतिम वाला कौन सा? ये, इसको कितना लाभ मिलेगा? अगर कुल हमारा कितना लाभ है? 880। भाई ये तो बहुत ही छोटा रेशियो आ गया, 2। और ये सारे नंबर कैसे इवन, तो सब में 2 से भाग चला जाएगा। अब इसमें तो आप फटाक से देख के नहीं बता सकते कि भाई ये हमारा आंसर होगा कि नहीं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट। 5, 4, 9, 2, 11। 11 का मान दिया है बच्चा, किसका मान निकालना है? 2 का मान। जिसका मान निकालना है उसको ऊपर, जिसका मान दिया उसको नीचे, और जो एक्चुअल मान दे रखा उसे क्या कर दिया? गुणा कर दिया। 11 8 88। 80 × 2 करोगे तो बच्चा कितना आ जाएगा? 160। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर? आंसर क्या आ जाएगा बच्चा? डी ऑप्शन। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एक एक करके भाई सीक्वेंस में पढ़ेंगे, हल्के एग्जांपल से लेकर हम लोग एकदम नेक्स्ट लेवल तक के सवाल लगाएंगे। आप देखोगे कि आपको किसी भी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम स्टेप वाइज पढ़ते हैं तो भाई पीछे की चीज आगे कनेक्ट होती, फिर उसके आगे की चीज उसके आगे कनेक्ट होती, फिर उसके आगे की चीज उसके आगे कनेक्ट होती, और सारी की सारी चीजें एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाती। कह रहा है ए बी सी ने क्रमशः 10,000, 20,000 और 30,000 की धनराशि के साथ एक व्यापार आरंभ किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में सी का लाभांश इतना है, अब की बार क्या दे रखा है बच्चा? कुल लाभांश में सी का लाभांश दे रखा है, अब की टोटल लाभ नहीं दे रखा है, अब की सी के लाभ का मान दे रखा है, तो क्या कह रहा है? ए का लाभ कितना होगा? अगर सी का लाभ दिया है और ए का लाभ निकालना है, तो भाई अगर हमें लाभ का अनुपात मिल जाए तो भाई सी का मान दे रखा है, ए का मान निकालेंगे। अगर लाभ का अनुपात निकालना है तो बच्चा कैसे निकालेंगे? भाई किस रेशियो में पैसा लगाया? जिस रेशियो में पैसा लगाया, भाई समय की बात ही नहीं कर रहा, मतलब समय क्या है? समान है। एक साल के अंत की बात कर रहा है, मतलब सभी ने एक साल के लिए लगाया। इसने कितना लगाया? 10,000। इसने कितना लगाया? 20,000। इसने कितना लगाया? 30,000। तो भाई किस रेशियो में पैसा लगाया? साफ साफ समझ में आ रहा है किस रेशियो में पैसा लगाया? 1:2:3। यहां पर भाई 3-0, यहां पर 3-0, यहां पर 3-0, 1-2-3 के अनुपात में पैसा लगाया। जिस रेशियो में पैसा लगाया है उसी रेशियो में क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। अगर ए को 1 मिलेगा तो बी को 2 मिलेगा और सी को 3 मिलेगा। कहने का मतलब अगर सी को 3 मिल रहा है तो ए को कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। इसका मान दिया है, इसका मान निकालना है। 3 का मान दे रखा है बच्चा कितना है? 27,000 है। 27,000 है, हाँ 27,000 है। तो कह रहा है 1 का मान कितना हो जाएगा? 1 का मान बच्चा कितना हो जाएगा? 9,000। और यही क्या हो जाएगा? 1 का एक लाभ बच्चा कितना हो जाएगा? 9,000। अगर मान लो बी का लाभ पूछता तो भाई बी का लाभ कितना हो जाता? इसका 9,000, इसका 18,000, इसका क्या हो जाता बच्चा? 27,000। अगर मान लो इसमें आपसे टोटल पूछा जाता कि टोटल लाभ कितना है, भाई 9,000, 18,000, 27,000, 27,000 कितना हो जाता? टोटल बच्चा हो जाता आपका 54,000। मान लो आपसे इसमें किसी का हिस्सा पूछता, भाई इसमें से इसका अंतर पूछ सकता था, इसमें इसका अंतर पूछ सकता था, तो भी सारी की सारी चीजें आप निकाल सकते थे। मतलब भाई रेशियो के हिसाब से वो आंसर निकालो और एक्चुअल में भी वो आंसर निकालो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 और 10,500 का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 का एक लाभ बांटना पड़े तो द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा? भाई ये और ये पैसा लगा रहे, पूंजी निवेश के अनुपात में पैसा बांटना है, इसमें समय की बात ही नहीं कर रहा है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं। भाई जिस अनुपात में पैसा लगाया है उसी अनुपात में पैसा बांटने की बात कर, लाभ बांटने की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट है, यही तो हमने पार्टनरशिप में सीखा कि भाई जिस रेशियो में पैसा लगता है उसी रेशियो में हमें क्या मिलता है? लाभ मिलता है। अगर आप ये बात नहीं भी बोलते तो भी हम इसी रेशियो में बांट देते, लेकिन भाई अलग से बोला है तो भी हमें क्या करना पड़ेगा? इसी रेशियो में बांटना पड़ेगा। एक ने 9,000 लगाया है, एक ने 10,500 लगाया। 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 15 से कट जाएगा, 15 से 90, 15 से 105। अगर भाई इसको 6 मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। टोटल कितना मिल गया बच्चा? 1300 मिल गया। सॉरी, इसको 6 मिलेगा, इसको 7, तो टोटल कितना हो गया? 13। 13 का मान कितना दे रखा है बच्चा? 6500। भाई 6500 का लाभ है, दोनों को बांटना है, तो हमें कह रहा है कि दूसरे वाले को कितना मिलेगा? भाई 7। ये लो, ये तो हम ऑप्शन से भी काट सकते थे, यही आंसर आ जाएगा। क्यों भाई? पहले वाले को 6 मिल रहा है, दूसरे वाले को 7, तो भाई जो भी हमारा आंसर होगा 7 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये भाई 7 का क्या मल्टीपल है?
एक का मान किसके बराबर हो जाएगा 500 के बराबर, 7 का मान बच्चा किसके बराबर हो जाएगा 3500 के बराबर। तो भाई देखो रेशियो से भी हमारा अगर शॉर्टकट मेथड लगाया, चेक किया, हमारे तीन अगर आंसर नहीं बन रहे थे तो एक ही आंसर बनना था, अगर हमने तरीके से भी आंसर निकाला तो हमारा क्या आ रहा है, वही आंसर आ रहा है। ये मैं बार बार दोनों मेथड इसलिए दिखाता हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि जब आप रेशियो मेथड लगाते हो, आप ऑप्शन से अगर आंसर निकालते हो तो अगर आपने चीजें एकदम सही सोच रखी है, जो ऑप्शन चेक करो अगर आपको आपने उसको एकदम सही से चेक कर रखा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले एक बार आप रेशियो से निकालो और फिर आप इसको पूरा पूरा हल करके निकालो। रेशियो यहां मिला, रेशियो चेक किया, ये आंसर बनना है, तीन आंसर बन नहीं रहे तो तीन आंसर छोड़ा, ये आंसर टिक किया, आगे बढ़ गए, ये करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसी पूंजी के साथ ए बी और सी ने साझेदारी बनाई जिसमें ए का अंशदान 10,000 है, यदि 1,000 के कुल लाभ में ए को 500 मिलता है और बी को 3,300 मिलता है तो सी की पूंजी कितनी है। अब ध्यान से समझना, इसमें सब हौच-पौच कर दिया, मिक्स कर दिया। क्या है, कह रहा है किसी पूंजी के साथ ए बी सी ने साझेदारी बनाई जिसमें ए का अंशदान 10,000 है। भाई तीन लोगों ने पैसा लगाया, ए है, बी है, सी है। ए ने कितना पैसा लगाया है, 10,000 रुपए लगाया। बी और सी ने कितना पैसा लगाया है, दिया ही नहीं है। बी और सी ने कितना पैसा लगाया, नहीं दिया, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। कह रहा है यदि 1,000 के लाभ में ए को 500 मिलता है, ए को कितना मिलता है, 500 मिलता है। बी को क्या कह रहा है, बी को कितना मिलता है बच्चा, 300 मिलता है। भाई अगर 1,000 में 500 इसको मिल गया, 300 इसको मिल गया तो बचा कितना है, 200 बचा है। ये जो बचा है ये किसको मिल जाएगा, सी को मिल जाएगा। भाई ये बताया नहीं है लेकिन आपको ये अपने से समझना पड़ेगा कि भाई 1,000 का लाभ था, इसमें से ए को 500 मिल गया और बी को 300 मिल गया तो बचा कितना है, 200। ये जो 200 बचा है वो किसको मिल जाएगा, सी को मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर सी को 200 मिल गया तो देखो बच्चा इससे हमें क्या मिल जाएगा, हमें तीनों का लाभ मिल गया। भाई ये लाभ और ये लाभ और ये लाभ, तो भाई अगर हमें लाभ मालूम है तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चा, लाभ का अनुपात मालूम चल जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि भाई तीनों को इस रेशियो में लाभ मिलता है। अब हमने यह बताया कि भाई जिस रेशियो में पैसा लगाते हैं उसी रेशियो में हमें क्या मिलता है, लाभ मिलता है। अगर हमारे पास में लाभ का अनुपात है तो मैंने क्या बोला, अगर समय समान है, अगर बच्चा क्या समय समान है तो जिस रेशियो में पैसा लगता है उसी रेशियो में लाभ मिलता है। कहने का मतलब जो लाभ का रेशियो है वही रेशियो बच्चा किसका हो जाएगा, लागत का हो जाएगा। तो भाई इन लोगों ने किस रेशियो में पैसा लगाया होगा, 5:3:2 के अनुपात में। किस अनुपात में लगाया होगा, 5:2:3 के अनुपात में। तो भाई इसका मान, ए की पूंजी दे रखी है कितनी है, इतनी है, तो क्या कह रहा है बच्चा, सी की पूंजी कितनी होगी, ये हमको बताना है। 5 का मान 10,000 के बराबर, किसका गुणा हो रहा है बच्चा, 2,000 का गुणा हो रहा है। तो 2 का मान बच्चा कितना हो जाएगा, इसमें भी 2,000 का गुणा कर दो, किसके बराबर आ जाएगा, 4,000 के बराबर आ जाएगा। तो बच्चा सी ने कितनी पूंजी लगा रखी है, 2,000 लगा रखी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ए बी तथा सी किसी व्यापार में साझेदार बने, ए ने 2560 का, बी ने 2000 का निवेश किया, वर्ष के अंत में उन्हें 1105 के लाभ के रूप में प्राप्त हुए जिसमें से 320 अकेले ए को मिले, तो सी द्वारा लगाई गई पूंजी था। फिर इसमें भी उसी तरीके से भाई थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, थोड़ी सी पूंजी के बारे में बात कर रहा है और थोड़े से लाभ के बारे में बात कर रहा है, तो इसको भी वैसे लिखेंगे भाई। और समय की बात नहीं कर रहा, अगर समय की बात नहीं कर रहा तो भाई तीनों लोगों ने क्या है, समान समय के लिए पैसा लगाया। अगर समान समय के लिए पैसा लगाया तो भाई जिस रेशियो में आपकी लागत है, पूंजी है, उसी रेशियो में आपका लाभ रहेगा। ठीक, दोनों का रेशियो क्या रहेगा बराबर। ए ने 2560 रुपए लगाया, बी ने 2000 रुपए लगाया और सी के बारे में हमें नहीं मालूम है कि कितना पैसा लगाया, और यही हमें क्या करना है बच्चा, निकालना है। लेकिन क्या कह रहा है, वर्ष के अंत में टोटल कितने का लाभ हुआ है बच्चा, 1105 रुपए का लाभ हुआ है। इसमें ए को कितना मिला है बच्चा, 320 मिला है। अब देखो हमें ए की पूंजी मालूम है, हमें बी की पूंजी मालूम है। अगर हमें ए की पूंजी और बी की पूंजी मालूम है, सी की पूंजी नहीं मालूम है, हम ए और बी की पूंजी मालूम है तो क्या ए और बी के बीच में लाभ का अनुपात निकाल सकते हैं। हाँ, ए और बी के बीच के लाभ का अनुपात निकाल सकते हैं। भाई जिस रेशियो में पैसा लगाया है उसी रेशियो में क्या मिलेगा, लाभ। तो देखो यहां से 2 कट गया, अब 16 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, 16 से इधर कटेगा, नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 से काट दो, 8 3 24, 8 2 16, 8 से काट दो, 8 2 16, 8 5 40।
तो भाई अगर ए को 32 मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। ए को अगर 32, भाई 32 और 25 के अनुपात में ए और बी ने पैसा लगाया, तो ए और बी की सिर्फ बात करें, सी की बात नहीं करते थोड़ी देर के लिए। भाई ए ने 32 लगाया और बी ने 25 लगाया, तो भाई ए को अगर 32 मिलेगा तो बी को कितना मिलना चाहिए? 25 मिलना चाहिए। अब भाई इसको कितना मिल रहा है? 320। किसका गुणा हो रहा है? 10 का गुणा। इसको भी कितना मिल जाएगा भाई? इसमें किसका गुणा हुआ है? 10 का, तो इसमें भी 10 का गुणा कर दो। अगर भाई ए को 320 लाभ मिला है तो बी को कितना मिलेगा? 250 रुपए का लाभ मिलेगा। अब देखो, अब 1105 रुपए का कुल लाभ है, जिसमें ए को लाभ इतना मिल रहा है, बी को लाभ इतना मिल रहा है, तो टोटल कितना हो गया बच्चा? 570 रुपए हो गया। टोटल लाभ हमारा कितना हो गया? 570। तो सी का लाभ कितना हो जाएगा? 1105 में से 570 घटा दो बच्चा, यहां पे क्या आ जाएगा? 5। यहां पे क्या आ जाएगा? 10 में से 7 गया 3, 10 में से 5 गया 5, 535। तो भाई जो सी को लाभ मिलेगा कितना मिलेगा? 535 मिलेगा। अब चाहो तो आप इससे देख लो और चाहे तो आप इससे देख लो। इसको 320 मिला तो इसको 250 मिला, तो इसको कितना मिल गया? 535 मिला। अब चाहे तो ए और इसका रेशियो निकाल लो, बी और इसका रेशियो निकाल लो, चाहे जिसका भी रेशियो निकाल लो। भाई सबसे हमें आसान लग रहा है ये वाली वैल्यू, तो मैं इसका और इसका रेशियो निकालता हूं। किसका किसका? इसका और इसका रेशियो निकालता हूं। देखो, 5 से कट जाएगा, 5 पचे 25, 50 आ जाएगा। 5 से कट जाएगा, 5 एक 5, 5 0 0, 5 7 35। और किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। भाई अगर इसने 50 लगाया है, इसने भाई अगर इसको 50 मिला है तो इसको कितना मिला है? 107। कहने का मतलब भाई जिस रेशियो में लाभ है उसी रेशियो में क्या हो जाएगा? लागत हो जाएगा। अगर इसने 50 लगाया है तो इसने कितना लगाया है? 107 लगाया। लेकिन बच्चा इसने कितना लगाया है? 2000 लगाया है। किसका गुणा हो रहा है भाई? 40 का गुणा हो रहा है। 4 पचे 20 और 2 0, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा बच्चा? 40 का गुणा हो जाएगा। अब यहां पे 40 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 0। 4 7 28, ये 2 और 4 4, 4280 रुपए इसने क्या किया? लगाया। तो भाई सी ने कितनी लागत लगाई है? सी ने 4280 रुपए लगाया है। इसमें क्या था कि भाई दो लोगों का पूंजी दिया हुआ था, कुल लाभ दिया हुआ था और पहले का लाभ दिया हुआ था। तो भाई इसका लाभ, इसका पूंजी दिया हुआ है, इसका पूंजी दिया हुआ था तो इसका लाभ निकाल लिया, इसका लाभ मालूम चल गया, इसका लाभ मालूम चल गया, टोटल लाभ था तो हमने इसका लाभ निकाल लिया। अब तीनों का लाभ है तो तीनों का रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है भाई, इससे इससे देख लो, इसका लाभ इतना है तो इसका लाभ इतना है, तो इसके पूंजी का भी अनुपात क्या रहेगा? यही रहेगा। तो पूंजी का अनुपात कितना? इतना। इसके पूंजी का मान दिया है तो इसके पूंजी का मान क्या कर दिया? निकाल दिया। क्लियर है बच्चा? तो आप देख रहे हो भाई कॉन्सेप्ट हमारा वही है, लेकिन जैसे जैसे भाषा बोलेगा उसी हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। किरण, संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय 4700 में आरंभ किया। किरण, संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय 4700 में आरंभ किया। अब इसमें क्या है कि किरण, संयोग, किशोर ने एक व्यवसाय 4700 रुपए में आरंभ किया। इसमें भाई तीनों का टोटल पैसा कितना है? 4700। इसमें भाई अलग अलग पैसा नहीं दिया, इसमें क्या दे रखा है? टोटल कितना है बच्चा? 4700। किरण ने संयोग से 500 अधिक लगाया और संयोग ने किशोर से 300 अधिक लगाया। अब इसमें क्या है कि इनके बीच में रिलेशन दिया है कि भाई तीन आदमी है, इन दो आदमी ने इनसे इतना अधिक लगाया या इसने इनसे इतना कम लगाया, और यह इंफॉर्मेशन इसलिए दिया है ताकि आप क्या कर सको कि अलग अलग पैसा निकाल सको। भाई इसमें अलग अलग पैसा नहीं दिया, किरण, संयोग और किशोर का अलग अलग पैसा नहीं दिया, टोटल पैसा दिया इतना लगाया। फिर बोला है, लिख लेते हैं, किरण, संयोग और किशोर तीनों ने टोटल कितना लगाया है बच्चा? 4700 लगाया। लेकिन क्या कह रहा है? किरण ने संयोग से 500 अधिक, किरण ने संयोग से 500 अधिक। मान लो भाई संयोग ने कितना लगाया? x, तो किरण ने कितना लगाया होगा? x प्लस 500 लगाया होगा। आगे क्या कह रहा है? संयोग ने किशोर से 300 अधिक लगाए हैं, संयोग ने किशोर से 300 अधिक लगाए हैं। अगर भाई इसने इससे 300 अधिक लगाए हैं तो हम ये भी तो कह सकते हैं किशोर ने संयोग से 300 कम लगाए। भाई जैसे एक ने 1000 लगाया, एक ने 1300 लगाया, तो भाई एक दूसरे से 300 ज्यादा लगाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? 300 कम लगाएगा। तो भाई ये इससे 300 ज्यादा है तो भाई इसका क्या हो जाएगा? इससे 300 कम हो जाएगा। तो इसने कितना लगाया होगा? x माइनस 300 लगाया होगा। लेकिन अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल कितना है? 4700। इन तीनों को जोड़ दोगे बच्चा कितना हो जाएगा? 3x। 500 में से 300 हो जाएगा बच्चा कितना हो जाएगा? 200। और ये किसके बराबर दे रखा है बच्चा? 4700 के बराबर दे रखा है। तो x का मान कितना आ जाएगा? 4700 में 200 घटाओगे बच्चा कितना आ जाएगा? 4500। 4500 में अगर आप 3 का भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा? 1500। x का मान 1500 हो गया तो ये कितना हो जाएगा बच्चा? 2000 हो जाएगा।
ये कितना हो जाएगा बच्चा 1500 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1500 में 300 हो जाएगा तो बच्चा 1200 हो जाएगा। ये जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से जीरो कट गया। तो भाई किस रेशियो में पैसा लगा रहे हैं, 20 15 और 12, इस रेशियो में क्या कर रहे हैं बच्चा बोलो पैसा लगा रहे। तो क्या कह रहा है कि अगर इतने रुपए का लाभ हो तो भाई किरण, किरण कौन है ये, इसको कितना लाभ मिलेगा। अब भाई इन लोगों ने पूंजी किस अनुपात में लगा रखी है, 20 15 और 12 के अनुपात में। जिस रेशियो में पूंजी लगा रखी है उसी रेशियो में लाभ मिलेगा। अगर इसको 20 लाभ मिलेगा तो इसको 15 मिलेगा, और इसको कितना मिलेगा 12। टोटल कितना हो गया बच्चा 15 और 12 47, सॉरी 15 12 27 और 20 कितना हो जाएगा बच्चा 47। टोटल कितना हो गया 47, इसका मान दिया हुआ, किसका मान निकालना है 20 का मान। तो टोटल हमारा कितना हो गया 47, हमें किसका मान निकालना है बच्चा 20, जिसका मान निकालना है उसको ऊपर, जिसका मान दिया उसको नीचे, और जो एक्चुअल मान दे रखा उसे क्या कर दिया गुणा कर दिया। कितनी बार जा रहा है बच्चा, साफ साफ समझ में आ रहा है, तीन बार जाएगा, 3 7 21, 3 4 12 2 14, और ये कितना हो जाएगा 20 × 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 600। तो भाई जो किरण को कितना लाभ मिल जाएगा 600 रुपए मिल जाएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर, आगे बढ़ा जाए, अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। महेश ने 3 महीनों के लिए 1000 का निवेश किया और राजवीर ने 4 महीनों के लिए 800 का निवेश किया, यदि उन्हें 620 का लाभ प्राप्त होता है तो राजवीर को उसमें से कितना मिलेगा। अब भाई देखो ये सवाल क्या है, इसमें भाई पैसा अलग अलग है और इसमें समय भी अलग अलग है। क्या कह रहा है भाई, महेश ने 3 महीनों के लिए 1000 का निवेश किया है और राजवीर ने क्या किया बच्चा 4 महीनों के लिए 800 का निवेश किया। कह रहा है अगर उन्हें 620 का लाभ प्राप्त हो तो राजवीर को उसमें से कितना हिस्सा मिलेगा। तो मैंने क्या बताया भाई, जिस रेशियो में पैसा, पैसा और जितने समय के लिए, पैसा इंटू टाइम, उसी रेशियो में क्या मिलेगा बच्चा प्रॉफिट। तो भाई 3 महीने के लिए लगाया है और कितना पैसा लगाया है, 1000 रुपए लगाया है। दूसरे वाले ने क्या किया भाई, ये महेश का है, और राजवीर की बात करें तो इन्होंने 4 महीने के लिए लगाया है, कितना लगाया है 800 लगाया है। तो भाई इनके पैसा और समय का अनुपात, पैसा इंटू समय का अनुपात कितना हो गया, इतना हो गया। ये देखो 2 0 से 2 0 गया, ये कितना हो गया 30, ये कितना हो गया 32, और किससे कट जाएगा बच्चा 2 से कट जाएगा, 2 × 4 और 2 × 5 = 10, ये कितना हो गया 15 और ये कितना हो गया 16। अगर भाई इन्होंने 15 लगाया है तो इन्होंने कितना लगाया 16, टोटल पैसा और समय मिला के। तो भाई इस रेशियो में उनको क्या लाभ मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा भाई, अगर पहले वाले को 15 लाभ मिलेगा तो दूसरे वाले को कितना मिल जाएगा 16, टोटल कितना लाभ होगा 31, 31 में से 15 इसको मिलेगा और 16 इसको मिलेगा। टोटल लाभ दे रखा है कितना है बच्चा 620, इसका मान किसके बराबर दे रखा है 620, किसका गुणा हो रहा है बच्चा 20 का गुणा हो रहा है। तो किसका लाभ पूछ रहा है, राजवीर का लाभ पूछ रहा है, तो इसमें बच्चा 2 का गुणा कर दो, 16 दुना कितना हो जाएगा 32, 320 रुपए का लाभ आ जाएगा। रेशियो से भी कर सकते थे, देखो यहां पे हमारा रेशियो आया था 16, तो भाई जो भी हमारा आंसर था वो 16 का मल्टीपल होना चाहिए, तो भाई ये हमारा 16 का मल्टीपल है, 16 × 32 = 16 × 85, अच्छा ये भी 16 का मल्टीपल है। अब दिक्कत हो जाती, अगर दो आंसर 16 के मल्टीपल मिल जाते तो भाई आपको बेसिक तरीके से ही करना पड़ता। बोलो बच्चा क्लियर, आगे बढ़ते हैं बच्चा, अगले सवाल के लिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मीनाक्षी ने 12000 के निवेश का एक व्यापार प्रारंभ किया, 5 महीने के बाद अभय 9000 की पूंजी के साथ उस व्यापार में जुड़ता है, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है। देखो मीनाक्षी ने इतने रुपए के साथ में निवेश प्रारंभ किया और 5 महीने के बाद, कितने महीने के बाद, 5 महीने के बाद कौन आ गया बच्चा अभय, कितने पैसे के साथ में, इतने पैसे के साथ में, और कितने समय की बात कर रहा है, वर्ष के अंत की बात कर रहा है। कहने का मतलब वर्ष के अंत किसके, जब मीनाक्षी ने पैसा लगाया उसके 5 महीने बाद कौन आया, अभय आया, और वर्ष के अंत की बात कर रहा है, कहने का मतलब एक साल में अगर इतने का लाभ है तो मीनाक्षी का हिस्सा ज्ञात करो कि मीनाक्षी को कितना पैसा मिलेगा। इसमें भी क्या है बच्चा, दोनों का समय अलग अलग है। इसमें भाई किसी ने बिजनेस को आरंभ किया, दूसरा आदमी क्या हुआ कि बाद में कुछ पैसा लेकर आके बिजनेस में जुड़ गया, तो भाई 5 महीने बाद अगर वो जुड़ रहा है, कहने का मतलब भाई उसने 5 महीने तक पैसा नहीं लगाया होगा, जितना भी समय था उसमें 5 महीने के लिए उसने नहीं लगाया। तो भाई जितने समय के लिए इसने लगाया उससे 5 महीने कम के लिए इसने लगाया। अगर हम साल भर की बात कर रहे हैं तो भाई इसने कितने महीने के लिए पैसा लगाया, 12 महीने के लिए, और इसने 12 में से 5 कम कर दो, भाई 5 महीने बाद आया ना तो 5 महीने कम कर दो, तो 12 में से 5 कम कर दिया, कितने महीने के लिए लगाया, 7 महीने।
तो बच्चा मीनाक्षी की बात करें तो मीनाक्षी ने 12,000 लगाए हैं और 12 महीने के लिए लगाए, तो 12,000 गुणे 12 हो गए। अगर हम बात करें कौन आया है, अब आया है 5 महीने बाद आया है, तो टोटल में से 5 कम कर दिया, 12 में से 5 कम कर दिया, कितना हो गया 7। 7 महीने के लिए कितना पैसा लगाया है बच्चा, 9,000 लगाया है। तो इतना पैसा इतने समय के लिए इसने लगाया है, इतना पैसा इतने समय के लिए इसने लगाया है, तो इसी रेशियो में क्या हो जाएगा बच्चा इनका लाभ। 3 जीरो यहां पे गए, 3 जीरो यहां पे गए, 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 से और कट जाएगा, 3 चौको 12, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 7। देखो अगर मीनाक्षी को 16 मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, टोटल कितना है इतना। लेकिन अगर हम बात करें तो भाई जो मीनाक्षी का हिस्सा है वो 16 आना चाहिए, मतलब 16 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखो 16 का मल्टीपल चेक करने जाओगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, कई बार हमें देखना होता है कि किसका मल्टीपल चेक करें, 16 का मल्टीपल कभी टेस्ट नहीं करो, इससे अच्छा है कि आप फटाक से कैलकुलेशन कर लोगे। 16 साथ कितना हो गया 23, 23 का मान दिया हुआ बच्चा, किसका मान निकालना है 16, 16 बटे 23, यूनिट डिजिट लग सकता है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, यूनिट डिजिट और डिस्टेंस हम लगा सकते हैं। 16 का मान निकालना है और 23 का मान दिया, और एक्चुअल में कितना दे रखा है 4416। अब देखो यूनिट डिजिट क्या आएगा बच्चा, यूनिट डिजिट से निकालते हैं, ये जो है ये हमारा बच्चा क्या है, उत्तर है, ये हमारा क्या है उत्तर, मान लो ये कितना है बच्चा x, तो ये जो बटे में है अगर मैं इसको इस तरफ लेकर आता हूं, कहने का मतलब अगर मैं उत्तर में किसका गुणा कर दूं 23 का, अगर मैं उत्तर में 23 का गुणा करूं तो भाई मेरा इकाई का अंक कितना बनना चाहिए, 6 6 के 36 6 बनना चाहिए, मेरा इकाई का अंक क्या बनेगा 6 बनेगा, कब, जब मैं उत्तर में 3 का गुणा करूंगा। तो देखो जो भी हमारा उत्तर है उसमें 3 का गुणा करो, इसमें 3 का गुणा करोगे कितना बनेगा 4, इसमें 3 का गुणा करोगे कितना बनेगा 2, इसमें 3 का गुणा करोगे बच्चा कितना बनेगा 2, इसमें 3 का गुणा करोगे बच्चा कितना बनेगा 6। हमें क्या चाहिए, हमें बच्चा चाहिए 6, तो जो हमारा सही आंसर जिसमें 6 आ रहा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसको डिस्टेंस हमसे भी निकाल सकते हो बच्चा, ये कितना है 5, अगर ये 5 है तो भाई 5 को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चा 2 का गुणा नीचे, 2 का गुणा ऊपर, नीचे हमारा क्या हो गया 10, 16 का मतलब कितना हो गया 7, 4 4 8, ये घटा दिया कितना बचा है 6, 6 2 12 का मतलब कितना हो गया 3, 7 × 3 करेंगे बच्चा कितना जाएगा 21, 21 का मतलब डिस्टेंस हम कितना होना चाहिए 3, अगर आप देखोगे इसका डिस्टेंस हम कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो भाई हमारे डिस्टेंस हमसे भी मैच कर रहा है और हमारे यूनिट डिजिट से, अगर यूनिट डिजिट से मैच कर गया है एक आंसर तो आपको डिजिटल सम लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं टेस्ट करके दिखा रहा हूं कि डिजिटल सम से भी हमारा आंसर आ रहा है और यूनिट डिजिट से भी, 3 ऑप्शन ऐसे थे जो कि पॉसिबल ही नहीं थे, यूनिट डिजिट से हमने निकाला तो जो भाई हमारा आंसर बनना था वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई, इसमें हमने भाग देकर नहीं निकाला, ऐसे प्रैक्टिस आपको भी करनी है, जब भी आपको लगे कि कैलकुलेशन बड़ा है भाग ज्यादा जा रहा है तो यूनिट डिजिट और डिजिटल सम का यूज करेंगे। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था, उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी, अगर बी के लाभ, बी को लाभ के तौर पर इतने मिले हैं तो कुल लाभ कितना था। देखो दो चीजों की बात कर रहा है, एक पैसे की बात कर रहा है और एक समय की बात कर रहा है, एक पैसे की बात कर रहा है और एक समय की बात कर रहा है। पहले ए और बी के पैसे की तुलना कर रहा है, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, ए का निवेश बी के निवेश, बी के निवेश से तुलना कर रहा है, अगर बी के निवेश को 1 माने तो इसका निवेश इसका 3 गुना बच्चा कितना हो जाएगा 3, कहने का मतलब पैसे का जो अनुपात है कितना है बच्चा 3:1 है। इसके बाद कह रहा है उसकी, किसकी भाई, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी, अब आगे तो नहीं दे दिया उसकी मतलब ए की निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी, बी के 2 गुनी थी, बी की अगर अवधि 1 थी तो भाई ए की कितनी हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी, भाई ए ने इतना पैसा, बी ने इतना पैसा, ए ने इतने समय के लिए, बी ने इतने समय के लिए, तो भैया जो इनका लाभ हो जाएगा क्या हो जाएगा, पैसा गुणे समय 6, पैसा गुणे समय 1, 6:1 में क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि भाई अगर अगर बी को लाभ के तौर पर कितना मिला है 4,000, भाई अगर ए को 6 मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा 1, टोटल हमारा कितना बनेगा बच्चा 7 बनेगा। कह रहा है बी को अगर 4,000 मिला है तो कुल लाभ कितना है, बी को हमारे हिसाब से कितना मिला है 1, तो टोटल कितना है 7। सवाल भाई 1 का मान दे रखा है, किसका मान निकालना है 7 का, 1 का मान कितना दे रखा है बच्चा 4,000, तो किसका मान निकालना है 7,000 का, तो कितना, सॉरी 7 का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा बच्चा 28,000, टोटल लाभ कितना हो गया है 28,000।
अगर मान लो इसमें पूछता कि ए का लाभ कितना है तो ये कितना हो जाता बच्चा 24,000 हो जाता। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो ना तो पैसा दिया था ना तो एक्चुअल समय, लेकिन पैसे की तुलना दी थी और समय की तुलना दी थी। पैसे की तुलना दी थी तो पैसे का अनुपात निकाल लिया, समय की तुलना दी थी तो समय का अनुपात निकाल लिया। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया अगर आपको एक्चुअल मालूम है तो भी वही चीज आएगी, अगर आपको रेशियो मालूम है तो भी आपका आंसर क्या आएगा, वैसे ही आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। एक व्यापार में एबीसी तीनों साझेदारों को 9,500 का कुल लाभ प्राप्त होता है। भाई तीन आदमी हैं, तीनों को जो टोटल लाभ मिलता है कितना मिलता है, 9,500 मिलता है। ए ने कुल पूंजी का आधा आधे समय के लिए लगाया, बी ने कुल पूंजी का एक तिहाई समय के लिए लगाया, और तीसरे हिस्सेदार ने शेष पूंजी का अपना पूरा हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया। तो भाई यहां पर तीन लोग हैं, तीनों का टोटल लाभ दिया हुआ है और अंत में क्या पूछा गया है बच्चा, बी का लाभ पूछा गया। तो भाई इसमें भी दो चीजें हैं, पैसे के लिए हमें बात कर रहा है और समय के लिए बात कर रहा है, लेकिन सवाल में एक टोटल की भी बात कर रहा है, कुल की भी बात कर रहा है कि भाई कुल कितना पैसा और कुल कितना समय है। तो कह रहा है ए ने कुल पूंजी का आधा, आधा का मतलब कितना हो जाएगा बच्चा, 1/2। अगर कुल पूंजी का 1/2, समय का भी 1/2 है, बी ने कुल पूंजी का 1/3, बी ने बच्चा कितना लगाया है, 1/3 लगाया है, और बाकी किसने लगाया होगा, सी ने लगाया होगा। 1 बार 1/2 करना है और 1 बार 1/3 करना है। तो भाई 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। मैंने मान ली कि जो हमारी कुल पूंजी है बच्चा कितनी है, 6। तो जो हमारे ए का हिस्सा हो जाएगा ये इसका आधा हो जाएगा। भाई ए ने कुल पूंजी का क्या लगाया, आधा, 6 का आधा करोगे कितना आ जाएगा, 3। बी ने कुल पूंजी का कितना लगाया है, 1/3, इसका भाई 1/3 करोगे तो भाई 1/3 करोगे कितना आ जाएगा, 2। अगर टोटल हमारे पास में 6 है तो ए ने कितना लगाया है, 3, बी ने कितना लगाया है, 2। तो भाई सी ने कितना लगाया होगा, टोटल 6 है, ए ने इतना लगाया, बी ने इतना लगाया, तो सी ने कितना लगाया होगा, इतना लगाया होगा। इसमें से इन दोनों का जोड़ घटा दिया। आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा पैसे का आ गया, भाई ए ने इतना लगाया तो बी ने इतना लगाया, सी ने इतना लगाया। इसी तरीके से समय का भी निकाल लेंगे। क्या कह रहा है, ए ने कुल पूंजी का आधा आधे समय के लिए, भाई जितना समय होगा उसके आधे समय के लिए लगाया, बी ने कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए लगाया। तो भाई समय में भी वही है, आधा और 1/3 है, तो यहां पे भी 6 मान लेते हैं। तो फिर से भाई इसने कितने समय के लिए लगाया, भाई 3 समय के लिए लगाया, इसने कितने समय के लिए लगाया, 2 समय के लिए लगाया। आगे देखते हैं, तीसरे हिस्सेदार ने शेष पूंजी का अपना पूरा हिस्सा, शेष पूंजी कितनी है, इतनी, इसका पूरा हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया है। कितने समय के लिए लगाया, पूरे समय, पूरा समय हमारा बच्चा कितना है, 6। तो भाई पूरे समय के लिए लगा मतलब 6 समय के लिए लगा, भाई इसने आधे समय के लिए, इसने 1/3 समय के लिए, और इसने पूरे समय के लिए लगा। पूरा समय मतलब कुल समय इतना है, तो कुल समय जितना कुल समय उतने समय के लिए इसने इतना पैसा लगा। अब देखो इसने इतना पैसा इतने समय के लिए, इसने इतना पैसा इतने समय के लिए, इसने इतना पैसा इतने समय के लिए, जो इनके प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा बच्चा कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 2 × 4 = 6। इस रेशियो में उनका क्या बढ़ जाएगा बच्चा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन कुल कितना लाभ हुआ है बच्चा, इतना लाभ हुआ है, हमको किसका मान निकालना है बच्चा, बीच वाले का, 4 का मान निकालना है। तो भाई 4 से डिविजिबल होना चाहिए, 4 से तो सभी डिविजिबल है, 4 से क्या सभी डिविजिबल है, देखो 6, 4, 10, 9, 19, टोटल कितना हो गया 19। इसका मान बच्चा किसके बराबर दे रखा है, 9,500 के बराबर दे रखा, 9,500 के बराबर दे, 19×5 = 95। 1 का मान बच्चा कितना हो गया, 5,000 हो गया। अगर 1 का मान 5,000 के बराबर है तो बी का हिस्सा कितना है, 4। 4 का मान किसके बराबर आ जाएगा, 20,000 के बराबर। तो भाई बी को कितना लाभ मिलेगा, 20,000 का लाभ मिल जाएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। फिर से भाई बात में बोलूंगा, ना तो इसमें पैसा दिया हुआ था ना तो इसमें समय दिया हुआ था, बट फिर भी भाई जैसा भाषा बोला था उस भाषा को पकड़ के हमें सवाल को हल करना था। तो देखो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, लेकिन कैलकुलेशन के नाम पर कुछ भी नहीं। अगर आपकी पकड़ अच्छी है, अगर आपकी समझ अच्छी है, तो आप हर चीज को बड़े आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए बी तथा सी साझेदारी में एक लघु उद्योग की स्थापना करते हैं, ए कुल पूंजी का 1/4 भाग, पूंजी का 1/4 भाग 1/5 समय के लिए, बी पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए, सी शेष पूंजी शेष समय के लिए, शेष समय मतलब जो कुल रहेगा उसमें से बाकी घटा के शेष समय निकालेंगे। देखो कह रहा है कुल लाभ इतना है तो बी का हिस्सा, फिर से भाई बी का हिस्सा है ए बी सी और कुल,
यहां पे बच्चा क्या हो गया पैसा, यहां पे क्या हो गया टाइम। पैसे की बात कर रहा है भाई, एक बार एक बटे चार पैसा है और एक बार एक बटे तीन, तो भाई एक बटे चार और एक बटे तीन कितना हो गया, बारह, चार क्या बारह, एलसीएम कितना हो गया बारह। अगर कुल बारह मान लिया तो एक कह रहा, क्या कह रहा है, कुल पूंजी का एक बटे चार, इसका एक बटे चार करोगे कितना आ जाएगा तीन, और इसका एक बटे चार करोगे सॉरी एक बटे तीन करोगे तो कितना आ जाएगा चार। अगर भाई ए ने तीन पैसा लगाया तो बी ने कितना लगाया चार, टोटल कितना है बारह, कितना लगा दिया तीन चार सात, तो भाई सी ने कितना पैसा लगाया होगा, पांच पैसा लगाया होगा, जैसे पीछे सवाल में किया उसी तरीके से। इसी तरीके से टाइम की बात कर रहा है भाई, एक बार एक बटे पांच समय, एक बार एक बटे चार समय, तो मैंने पांच गुणे चार कितना समय मान लिया, बीस समय मान लिया, तो भाई इसका कितना हो जाएगा, इसका एक बटे पांच करोगे तो चार समय आ जाएगा, इसका एक बटे चार करोगे तो बच्चा कितना समय आ जाएगा पांच। अगर कुल समय बीस है तो इसने चार समय के लिए लगाया, इसने पांच समय के लिए लगाया। लेकिन सी के लिए ध्यान देना, सी शेष पूंजी शेष समय के लिए, शेष पूंजी शेष समय, शेष समय क्या है, या तो भाई कुल समय होगा या तो समय के बारे में बता रहा होगा, शेष समय क्या है भाई, ये कुल समय है, इसमें से ये इसने इतना समय के लिए लगाया, ये इसने इतना समय के लिए, तो शेष का मतलब क्या निकालोगे। शेष का मतलब ये हो जाएगा भाई, अगर हमारा टोटल ज्यादा बनना है, ए ने कुछ समय के लिए लगाया, बी ने कुछ समय के लिए लगाया, दोनों का टोटल निकालो बच्चा कितना हो गया, नौ महीना हो गया। टोटल अगर हमारा 20 महीना बनना है, इन लोगों ने 9 महीने के लिए लगाया, तो इसने शेष समय हमारा कितना हो जाएगा 11 महीने, इसने कितने समय के लिए लगाया 11 महीने के लिए। थोड़ा सा भाषा कंफ्यूजिंग है लेकिन ऐसे ही आप इसको समझो, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो भाई इनके पैसे का अनुपात आ गया, इनके समय का अनुपात आ गया, तो अगर हमें इनके प्रॉफिट का अनुपात निकालना है तो कितना आ जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा 20, और ये कितना आ जाएगा 55। कटेगा नहीं कटेगा। अब हमें क्या करना है बच्चा, बी का हिस्सा निकालना है, तो भाई 20 से डिविजिबल होना चाहिए, 20 से तो सभी डिविजिबल है, 20 से हमारे क्या है सभी डिविजिबल है, टोटल निकाल लो भाई ये कितना हो जाएगा 55 12 67 20 87, 87 का मान दिया हुआ, और किसका मान निकालना है 20, जिसका मान निकालना है उसको ऊपर, जिसका मान दिया उसको नीचे, और जो एक्चुअल मान रखा उससे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब ये देखो बहुत ही आसान, एकदम साफ साफ दिख रहा है कितनी बार जा रहा है बच्चा, दो बार जा रहा है, कितनी बार कट रहा है दो बार, जब नहीं कटता तो हम यूनिट डिजिट और डिस्टेंस हम लगाते, लेकिन ये सीधे सीधे देख रहा है कितनी बार कट रहा है, दो बार कट रहा है, तो यहां पे हो गया 200, और गुणे दो करेंगे तो बच्चा कितना आ जाएगा, और 20 दो दुना चार, और 4000 रुपए आपका क्या आ जाएगा आंसर, बी का हिस्सा बच्चा कितना आ जाएगा 4000। क्लियर, आगे बढ़ने जाए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए और बी कोई साझे का कार्य 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर कर रहे हैं, 8 महीने के बाद ए अपने को इस कार्य से हटा लेता है, कितने महीने बाद, 8 महीने के बाद, कौन हटा ले रहा है, ए। यदि उन्होंने 5:9 के अनुपात में लाभ पाया तो बी ने अपनी पूंजी कितने महीनों तक के लिए लगाई रखी है। देखो इसमें आपको बच्चा क्या दे रखा है, आपको लाभ का अनुपात दे रखा है, और आपको क्या निकालना है बच्चा, समय का अनुपात निकालना है। क्यों, एक का समय दे रखा है दूसरे का समय निकालना है, हमें पूंजी का अनुपात दे रखा है, हमें लाभ का अनुपात दे रखा है, तो हमें समय का अनुपात निकालना है बच्चा, आसानी से निकाल सकते हो भाई। पैसे का अनुपात दे रखा है लाभ, पहले लाभ का लिखो, लाभ का अनुपात बच्चा कितना है 5:9। अगर हम बात करें कि हमारे पूंजी का अनुपात कितना है, मनी का अनुपात कितना है बच्चा 5:6। अगर मैं ये बोलूं कि इनके टाइम का अनुपात कितना होगा, भाई एक का समय दिया है दूसरे का समय निकालना है, तो अगर मैं दोनों के समय का अनुपात निकालूं और एक का समय मालूम है तो दूसरे का समय निकाल सकता हूं। मैं क्या करूंगा, मुझे पूंजी का अनुपात मालूम है, सॉरी मुझे लाभ का अनुपात मालूम है, मुझे पूंजी का अनुपात मालूम है, तो मुझे अगर समय का अनुपात निकालना है तो भाई एम गुणे टी बराबर पी है, तो टी का मान कितना हो जाएगा पी बाई एम, 5 में 5 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 1, 9 में 6 का भाग दोगे कितना आ जाएगा बच्चा 9/6, या 3 से काट दोगे 3 3 9 3 2 6 भाई, टाइम का रेशियो 1:3:2 आ गया। और मैंने आपको क्या बोला, ये भाई हमारा क्या है रेशियो, रेशियो में किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हो, तो मैंने क्या कर दिया बच्चा 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा करोगे 2 आ जाएगा, 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 3। कहने का मतलब भाई पहले वाले ने 2 समय के लिए लगाया है, ये ए के लिए है, ये बी के लिए, ए ने 2 समय के लिए लगाया तो बी ने कितने समय के लिए लगाया 3 महीने के लिए, भाई ए ने कितने समय के लिए लगाया 8 महीने, किसका गुणा हो रहा है बच्चा 4 का, तो यहां पे भी क्या करोगे बच्चा 4 का गुणा कर दोगे, 4 किया कितना हो जाएगा 12 महीना, 12 महीना कह लो या 1 साल कह लो, 12 महीने के लिए पैसा लगाया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए चलते हैं। तो भाई कितना भी घुमाए फिराए अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो भाई बार बार वही कॉन्सेप्ट लगेगा, पैसा समय और लाभ, पैसा समय लाभ, पैसा समय लाभ, ठीक है।
किसी व्यापार में ए इतना पैसा इतने महीने के लिए निवेश करता है तथा बी इतना पैसा कुछ समय के लिए निवेश करता है, समय नहीं दिया हुआ है। यदि ए तथा बी का लाभ समान है, ए और बी का लाभ क्या है बच्चा, समान है, तब बी ने कितने समय के लिए पूंजी निवेश किया। ये तो बहुत ही आसान हो गया भाई, मनी इंटू टाइम, मनी इंटू टाइम करोगे तो क्या आना चाहिए, 1:1, मतलब दोनों का मनी इंटू टाइम क्या हो जाएगा, बराबर। भाई मनी इंटू टाइम बराबर हो जाएगा तभी रेशियो क्या आएगा, 1:1। तो भाई इतने ए ने कितने कितना पैसा लगाया है, 10,000 लगाया है। कितने समय के लिए लगाया, 9 महीने के लिए। बी ने कितना पैसा लगाया है, 18,000 लगाया है। और कितने महीने के लिए लगाया है बच्चा इसने, यही तो हमें निकालना है, कितने महीने के लिए लगाया। देखो 3 0 से 3 0 जाएगा, 9 से 2 जाएगा और 2 से 5 जाएगा, 2 5 10। एम का मान कितना आ गया, 5। तो भाई बी ने कितने महीने के लिए पैसा लगाया है, 5 महीने के लिए पैसा लगाया है। भाई दोनों का प्रॉफिट बराबर, कहने का मतलब रेशियो क्या जाएगा, 1:1 आ जाएगा। चाहे जैसे अभी पीछे रेशियो 1:1 करके कर सकते थे, भाई आपको प्रॉफिट का रेशियो मालूम है, पैसे का अनुपात मालूम है तो आप प्रॉफिट का रेशियो मालूम है, पैसे का अनुपात मालूम है तो आप समय का अनुपात निकाल सकते हैं, फिर एक का समय दिया तो उससे दूसरे का समय निकाल सकते हैं। लेकिन भाई ये बहुत ही आसान था कि भाई इतना पैसा इतने समय, इतना पैसा इतने, और ये क्या है रेशियो 1:1, रेशियो 1:1 का मतलब ये दोनों चीजें क्या है, बराबर बराबर। ठीक, आगे बढ़ते, ए तथा बी एक व्यवसाय में साझेदार है, ए पूंजी का 1/4 भाग 8 माह के लिए लगाता है, बी व्यवसाय के अंत में लाभ का 3/4 भाग प्राप्त करता है, बी की राशि व्यवसाय में कितनी अवधि के लिए थी। देख रहे हो उसी तरीके का सवाल है, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया। ए पूंजी का 1/4 भाग 8 महीने के लिए लगाता है, भाई इसमें सिर्फ 2 आदमी है, ए है, बी है और कुल है, पैसा है, टाइम है, प्रॉफिट है। तो मान लो ए के बारे में कह रहा है, पूंजी का 1/4 लगाया, मान लो पूंजी कितनी मान लेते हैं 4, तो भाई ए ने कितना लगाया, 4 का 1/4 एक लगाया, तो बी ने कितना लगाया होगा, 3 लगाया होगा, मालूम चल गया किस रेशियो में पैसा लगा रहा है, 1:3 के अनुपात में लगा रहा है। भाई कह रहा है कि ए पूंजी का 1/4 भाग 8 महीने के लिए लगाया, इसने कितने महीने के लिए लगाया, 8 महीने के लगाया, बी व्यवसाय के अंत में लाभ का 3/4 प्राप्त करता है, लाभ का 3/4, अगर लाभ को मैं 4 मान लेता हूं तो बी को कितना मिल रहा है बच्चा, 3, तो ए को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब ध्यान से देखो किस रेशियो में पैसा लगाया, 1:3 के, किस रेशियो में पैसा मिल रहा है, 1:3, जिस रेशियो में पैसा लगाया है अगर उसी रेशियो में लाभ मिल रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चा, समय समान है दोनों के लिए, समय क्या है, बराबर। पहली लाइन ही मैंने आपको यही बताई थी कि अगर समय समान है तो जिस रेशियो में पैसा रहेगा उसी रेशियो में क्या रहेगा, लाभ। यहां पे देखो भाई आ रहा है, जिस रेशियो में पैसा उसी रेशियो में आपका क्या रहा, लाभ, तो बच्चा समय क्या रहेगा, बराबर। अगर इसने 8 महीने के लिए लगाया तो इसने भी कितने समय के लिए लगाया होगा, 8 महीने के लिए ही लगाया होगा। अगर ऐसा नहीं आता, बराबर नहीं आता, तो भाई ये हमें प्रॉफिट का रेशियो है, ये हमें मनी का रेशियो है, तो हम क्या निकाल लेते हैं, टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं। मान लो भाई अगर प्रॉफिट का रेशियो मनी के रेशियो के बराबर नहीं आता, तो प्रॉफिट का रेशियो निकल गया, मनी का रेशियो निकल गया, हम बच्चा क्या निकाल लेते हैं, टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं। यहां पे तो क्या बहुत आसान है, 1 में 1 का भाग दोगे, 3 में 3 का भाग दोगे, जितना ये आएगा उतना ही आएगा, तो ये 8 महीने, तो ये भी क्या आ जाएगा बच्चा, 8 महीने आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए चलते हैं। ए और बी प्रत्येक ने 25,000 के निवेश से एक व्यापार शुरू किया, 5 महीनों के बाद बी व्यापार से हट जाता है और 25,000 निवेश के साथ सी व्यापार से जुड़ जाता है। अब देखो इसमें भाई दो लोग आदमी हैं, व्यापार आरंभ करते हैं, एक हट जाता है और तीसरा आ जाता है, वर्ष के अंत में इतने का लाभ है तो सी का लाभांश क्या होगा। भाई आसानी से कर सकते हैं, ए है, बी है, सी है, ए ने 25,000 लगाया, बी ने भी 25,000 लगाया, लेकिन क्या हुआ भाई, इसने 5 महीने के लिए लगाया और 5 महीनों के बाद यह बी चला गया, ये नहीं गया तो यह अभी रुका हुआ है, अब ये क्या है, चला गया है। इसके बाद में क्या कर रहा है भाई, सी जोड़ा जा रहा है, और सी कितना पैसा लगा रहा है, सी भी भाई इतना ही पैसा लगा रहा है, 25,000 रुपए लगा रहा है। कितने साल की बात कर रहा है, 1 साल की बात कर रहा है, भाई इसने स्टार्ट से लगाया और अंत तक लगाया, तो भाई इसने 1 साल लगाया मतलब 12 महीने लगाया, ये 5 महीने बाद चला गया, इसने मतलब कितने महीने के लिए लगाया, 5 महीने के लिए लगाया। लेकिन भाई ये हमारा क्या है, ये 5 महीने के बाद आया है, तो भाई इसने 5 महीने कम के लिए लगा होगा, टोटल में से 5 कम कर दो, टोटल कितना है 1 साल, 12 महीना, 12 में से 5 कम कर दो क्या हो जाएगा, इसने 7 महीने के लिए लगाया।
अब भाई ये देखो पैसा क्या है, सबका बराबर 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 पैसा लगाया, सबने क्या किया बराबर बराबर पैसा लगाया, इसने 12 महीने के लिए लगाया, इसने 5 महीने के लिए लगाया, इसने 7 महीने के लिए लगाया। तो भाई अगर पैसा, अगर महीने बराबर है मतलब समय बराबर है, तो जिस रेशियो में पैसा लगाओगे वो आपका प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। मान लो अगर आपको किसी सवाल में पैसा बराबर बराबर लगे, तो भाई जितने समय के लिए लगाओगे, जिस समय के लिए लगाओगे, उस रेशियो में आपका क्या मिल जाएगा पैसा, भाई इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। और जब आप 25,000 से सब में भाग दे दोगे, या तो यहाँ पे अनुपात ले लो, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये अब एक का गुणा 12, 5 का गुणा 1, 7 का गुणा 1, तो भाई जो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ये मनी हो गया, ये टाइम हो गया, प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा 12:5:7। तो भाई ये 12 है, ये 5 है, ये 7 है, किसका लाभ पूछा जा रहा है भाई, सी का लाभ, इसका मान 7, 5, 12, 12, 24, 24 का मान दिया है, किसका मान पूछा जा रहा है 7, 24 का मान 24,000, 7 का मान बच्चा 7,000 के बराबर, 24 का मान 24,000 के बराबर, तो 7 का मान 7,000 के बराबर। भाई 3 जीरो लग जा रहे हैं आगे, 24, 3 जीरो, 7, 3 जीरो, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल के लिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राहुल एवं राकेश ने मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा 1:2 और 1:3 के अनुपात में धन लगाया। भाई अगर 1:2, 1:3 है तो ये आपको दिक्कत देगा, इनका एलसीएम क्या है 6, 6 से गुणा कर दो, 6 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 2, 1:2 और 1:3 कह सकते हो, या ये भी कह सकते हो 3:2 के अनुपात में पैसा लगाया। राहुल और राकेश, राहुल है और राकेश है, अभी मैंने क्या बोला 1:2 है और 1:3 है, अगर 6 का गुणा कर दिया, 6 का गुणा कर दिया तो बच्चा क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इस रेशियो में इन्होंने क्या लगा रखा है, पैसा लगा रखा है। 4 माह बाद राहुल ने अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लिया, 4 माह बाद पूंजी का आधा भाग, इसका आधा करना है, अगर इसका आधा करना है तो भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 3 का तो आधा होगा नहीं, तो मैंने इसमें भी 2 का गुणा कर दिया, इसने मैं भी 2 का गुणा कर दिया, मान लिया इसने 6 लगाया और इसने कितना लगाया 4, इसने क्या किया है बच्चा 4 माह बाद क्या कर लिया है, आधा निकाल लिया, 4 माह बाद आधा निकाल लिया तो कितना बचेगा 3 बचेगा। व्यापार आरंभ करने के 8 माह बाद 510 के लाभ में राहुल का भाग ज्ञात करो। अब देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, इसमें क्या कर रहा है कि ए पूरी पूंजी नहीं निकाल रहा है, ए आधी पूंजी लगा रहा निकाल रहा है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना भाई, ये इसके पास में कितना था 6 था, और इसने क्या किया है 4 महीने बाद आधा निकाल लिया, कहने का मतलब 4 महीने तक इसने कितना पैसा लगा रखा है, इतना पैसा लगा रखा है 4 महीने तक, कितना पैसा लगा रखा है इतना, लेकिन 4 महीने के बाद कितना पैसा लगा रखा है, इतना पैसा लगा रखा है, और टोटल कितने समय की बात कर रहा है 8 समय, भाई 4 महीने तक इतना पैसा, और बाकी 4 महीने के लिए कितना पैसा लगा रखा है, इतना पैसा लगा रखा है। बी के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, मतलब बी ने पूरे पूरे कितने समय के लिए लगा रखा है 8, बी का पैसा कितना है 4, बी ने भाई कितना, बी ने कितना पैसा लगा रखा है 4, कितने समय के लिए बच्चा 8 समय के लिए। तो देखो इसको कैसे करेंगे भाई, हमें यह समझ में आ गया कि ए ने पूरा पैसा नहीं लगाया है, ए ने एक हिस्सा कुछ समय के लिए लगाया है और इसने दूसरा हिस्सा कुछ समय के लिए लगाया, बी ने अपना पूरा हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया। इसमें जब अलग अलग राशि अलग अलग समय के लिए आते हैं, जैसे ए के लिए बात करें, ए ने भाई 6 पैसा लगाया 4 समय के लिए और 3 पैसा लगाया 4 समय के लिए, तो इसमें क्या करते हैं बच्चा, जो पैसा है पैसे को वो ले लो, 6 पैसा है कितने समय के लिए लगाया 4 समय के लिए, और ये जो 3 पैसा ये कितने समय के लिए लगाया 4, तो भाई ये इसका टोटल पैसा इंटू टाइम, ये इसका क्या बन जाता है टोटल पैसा इंटू टाइम। इसी तरीके से अगर बी की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चा 2×4 और 4×8 बन जाएगा। देखो भाई ये 4 इसमें भी 4 इसमें भी 4 इसमें, अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो ये भाई इसमें से 4 कॉमन ले सकता हूं, ये 4 और 4 बाहर आ जाएगा, तो ये 4 इससे और इससे 4 से कट जाएगा, ये कितना हो गया 6×3 9 और ये कितना हो गया बच्चा 8, तो अगर इसको 9 लाभ मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा 8 मिलेगा। किसका हिस्सा निकालना है, राहुल का लाभ निकालना है, 9 का मान निकालना है, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 का मल्टीपल ना तो ये है, 9 का मल्टीपल ना तो ये है, 9 का मल्टीपल ना तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, देख लेते हैं भाई, 9 इसको मिला 8 इसको मिला टोटल कितना हो गया 17, 17 का मान किसके बराबर दे रखा है 510 के बराबर दे रखा है, 17×3=51, 1 का मान बच्चा कितना हो जाएगा 30 के बराबर हो जाएगा, 1 का मान 30 के बराबर तो 9 का मान किसके बराबर हो जाएगा 270 के बराबर, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो हमेशा याद रखना कि अगर अलग अलग पैसा अलग अलग समय के लिए लगाया है, एक ही आदमी ने कुछ पैसा कुछ समय के लिए लगाया फिर कुछ पैसा और बढ़ा दे या निकाल ले, तो पैसा इंटू टाइम प्लस पैसा इंटू टाइम,
ये पूरा एका बन जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल के लिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो ए एक व्यवसाय में एक कार्यशील तथा बी सुप्त पार्टनर है। सुप्त पार्टनर इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्लीपिंग पार्टनर, और स्लीपिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है। स्लीपिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट सवाल में दिया रहता है। स्लीपिंग पार्टनर एक अलग तरीके का सवाल है, और इससे रिलेटेड कि स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और स्लीपिंग पार्टनर पे जो कॉन्सेप्ट बनता है ये कॉन्सेप्ट हमें अलग से नहीं बनता, ये सवाल के हिसाब से होता है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो दो आदमी है, दो आदमियों ने पैसा लगाया, लेकिन उन दो आदमियों में एक आदमी क्या है कि वो काम करता है और दूसरा आदमी काम नहीं करता। जैसे भाई कई सारे लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, लोगों के पास में बहुत सारा पैसा होता है। तो भाई जैसे एक मैं हूं, मैंने पैसा लगाया और मैं डेली काम भी कर रहा हूं। एक दूसरा आदमी है, वो अपना कुछ दूसरा काम करता है, लेकिन वो क्या कहता है, वो ये जानता है कि भाई मेरे बिजनेस में फायदा बहुत है, प्रॉफिट बहुत है, तो वो क्या करेगा, बस मेरे को पैसा दे देगा, काम नहीं करेगा, काम वो अपना करेगा, काम सिर्फ मैं करूंगा, वो पैसा दे देगा। तो जो आदमी पैसा देके बैठा रहता है, कुछ काम नहीं करता, सोता रहता है, उसको बोलते हैं बच्चा स्लीपिंग पार्टनर, सुप्त पार्टनर। क्यों? क्योंकि उसने पैसा दे दिया और काम नहीं कर रहा। मैंने पैसा भी दिया और मैं काम भी कर रहा हूं, वो सिर्फ पैसा दे रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि भाई मैं पैसा भी दूंगा और काम भी करूंगा तो मैं ज्यादा प्रॉफिट लूंगा, जो सिर्फ पैसा देगा उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन भाई इसका रूल बनेगा, और इसका जो रूल बनेगा वो सवाल में दिया रहेगा, सुप्त पार्टनर को कितना कम फायदा मिलेगा या कितना फायदा मिलेगा, इसका कॉन्सेप्ट हमेशा आपको सवाल में मिलेगा। तो इसके लिए हम अलग से नहीं बता सकते कॉन्सेप्ट, आपको सवाल से ही समझना पड़ेगा। बस आपको यह याद रखना है कि जो भी हमारा स्लीपिंग पार्टनर होगा उसको लाभ थोड़ा सा कम मिलता है, या जो भी वर्किंग पार्टनर होता है उसको लाभ थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, और कितना ज्यादा लाभ मिलेगा, कैसे लाभ मिलेगा, यह आपको सवाल में दिया रहेगा। ठीक, अगर हम इस सवाल की बात करें तो भाई एक व्यवसाय में ए एक कार्यशील है, बी सुप्त पार्टनर है, मतलब ए पैसा भी लगाता है और काम भी करता है, बी सिर्फ पैसा लगाता है। ए ने इतना पैसा लगाया है और बी ने इतना पैसा लगाया है। ए प्रबंधन के लिए लाभ का 10% पाता है, देखो दिया है। अब भाई ए क्या कर रहा है, काम कर रहा है, बी काम नहीं कर रहा, तो ए को काम करने का पैसा अलग से मिलेगा। अब क्या कह रहा है भाई, ए को प्रबंधन, प्रबंधन मतलब वही काम करने का 10% लाभ, मतलब लाभ का 10% पाता है। लेकिन ये टोटल लाभ नहीं है, ये सिर्फ काम काम का है। भाई पैसा पैसा लगाए तो उस रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन भाई मैं काम भी तो कर रहा हूं, तो जो मैं काम कर रहा हूं उसका मेरा पैसा बनेगा, और वो कितना बनेगा, अगर मान लो जो भी टोटल लाभ है उसका मुझे क्या मिलेगा, 10% मिलेगा। कुल लाभ का 10% मुझे किसके लिए मिलेगा, काम का, और भाई जिस रेशियो में पैसा मिला है बाकी पैसा उस रेशियो में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आगे यही दिखा होगा। और शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। कह रहा है इतने के कुल लाभ में से ए को प्राप्त राशि कितनी है। अगर कुल लाभ बच्चा कितना है, इतना है, तो इसमें ए को कितना मिलेगा। देखो सबसे पहले तो भाई इसका सीधे सीधे 10%, इसका 10% क्या हो जाएगा, ए को काम करने का पैसा मिल जाएगा। भाई ए ने 12,000 लगाया है और बी ने 20,000 लगाया है। अगर भाई दोनों ने इसी रेशियो में पैसा लगाया होता और पूरे समय के लिए लगाया होता और दोनों कामकाजी होते, या दोनों कामकाजी ना होते, तो किस रेशियो में पैसा बढ़ता, 4 से बांट दो, 4 × 12 = 4, 5 = 20, इसको 3 मिलता तो इसको कितना मिलता, 5 मिलता, इसको 3 मिलता तो इसको कितना मिलता, 5 मिलता। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है भाई, ए को टोटल का 10% और मिलेगा। मान लो टोटल हमारा कितना है, 10 है, टोटल हमारा कितना है, 10 है, तो ए को हमारा कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर टोटल हमारा कितना है, 10 है, तो ए को कितना मिलेगा बच्चा, 1 मिलेगा। और ये जो बाकी बचा हुआ 9 है, ये जो बाकी बचा हुआ 9 है, ये क्या कह रहा है, तो शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांट देता है। क्या कह रहा है, ये जो बाकी बचा 9 है ये किस रेशियो में बढ़ जाएगा, इस रेशियो में बढ़ जाएगा। अब देखो ये टोटल कितना बनना है, 8, और टोटल कितना है, 9। भाई एक टोटल 8 बन रहा है, एक टोटल 9 बन रहा है, भाई 9 को 8 में कैसे बांटोगे, तो भाई क्या करो, देखो इसमें अगर मैं क्या करता हूं, 8 का गुणा कर देता हूं तो आसानी से बढ़ जाएगा। अब देखो अगर यहां पे 8 का गुणा किया तो यहां पे 9 का गुणा कर दो, भाई टोटल यहां पे 72 होगा, तो टोटल यहां पे भी 72 होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा बच्चा 9, ये कितना हो जाएगा 9, ये 9 × 27 और ये कितना हो गया 45, इसको कितना मिलेगा 27। अब देखो यहां पे 8 का गुणा किया है तो यहां पे भी 8 का गुणा करो, ये कितना हो गया बच्चा 27, ये कितना हो गया बच्चा 45, ये कितना हो गया बच्चा 80। अगर 8 का गुणा यहां पे किया है तो 8 का गुणा बच्चा कहां पर हो जाएगा, यहां पर भी हो जाएगा।
अभी मैंने आपको रेशियो से ब्रेक किया है, हम लोग एक्चुअल वैल्यू से भी पीछे से कैलकुलेट कर सकते थे, बट मैं आपको दिखा रहा हूं कि भाई रेशियो भी हमारा बहुत काम आता है, हम सारा का सारा चीजें रेशियो से। ये अगर हमारा टोटल है तो इसका 10% सीधे सीधे ए ने ले लिया, बाकी कितना बचा हुआ, इतना बचा हुआ, इतने को इन लोगों ने किस रेशियो में बांट लिया, इस रेशियो में बांट लिया। ए को पैसे के हिसाब से कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, ए को काम के लिए कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, तो ए को टोटल कितना मिल रहा है, 8, 7, 15 कितना हो गया बच्चा, 35 हो गया। बी को कितना मिल रहा है बच्चा, 45 मिल रहा है, और टोटल हमारा कितना है बच्चा, 80 मिल रहा है। अब देखो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर 80 का हमारा कुल लाभ है तो बी को इतना मिलेगा, ए को इतना मिलेगा, तो हमसे क्या कह रहा है, ए को प्राप्त राशि, ए को कितना पैसा मिल रहा है, हमें किसका मान निकालना है इसका, भाई 35 क्या है, 7 और 5 का मल्टीपल है, तो 7 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो भाई ये 7 से डिविजिबल नहीं है, ये 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये दो आंसर नहीं है, 7 चौक 28 ये भी 7 से डिविजिबल नहीं, तो देखना यही आंसर बन रहा होगा भाई, इसका मान दिया, इसका मान निकालना, जिसका मान निकालना उसको ऊपर, जिसका मान दिया उसको नीचे, और जो एक्चुअल मान दे रखा उसे क्या कर दिया, गुणा कर दिया, ये 0 से 0 कट जाएगा, 8 एक 8, 8 दूनी 16 ये हो गया, 12 25 8, 12 3 36, 36 से कितना हो जाएगा 42, 4200 रुपए, देखो आ गया ना भाई, रेशियो से कर लिया तो हमें क्या है पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो इसी सवाल को हम लोग एक मेथड और कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, जो मैंने ये पूरा का पूरा रेशियो बनाया, मैं ये रेशियो ना बनाता, मैं क्या करता, ये रेशियो ना बनाता, कई बार हमें ये रेशियो की जरूरत पड़ेगी और कई बार मुझे इस रेशियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता है कि इससे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर 9600 रुपए हमारा कुल लाभ है तो भाई हमारा इसमें ए का जो काम करने के लिए प्रबंधन के लिए कितना पैसा मिलेगा भाई, इसका 10%, इसका 10% कितना हो गया, 960 हो गया, 9600 में से 960 घटा दो बच्चा कितना आ जाएगा, 0 में से 0 घटा दो, ये 0 आ गया, यहां पे 10 में से 6 घटा दो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहां पे 15 में से 9 घटाओगे कितना आ जाएगा, 6, ये कितना बचा, 8640, ये जो हमारा 8640 रुपए बचा हुआ है ये किस रेशियो में बटेगा, ये उस रेशियो में बटेगा जिस रेशियो में इन्होंने पैसा लगाया, तो इन्होंने बच्चा किस रेशियो में पैसा लगाया है, 4 3 12 4 5 20, तो 3 और 5 के अनुपात में पैसा बटेगा, ये किस रेशियो में, ये जो बचा हुआ पैसा है शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटना है, तो भाई इस लाभ को किस अनुपात में बांटना है, 3 और 5, भाई टोटल कितना हो गया, 8, 8 का मान दिया, किसका मान निकालना है, 3 का, तो भाई जिसका मान निकालना उसको ऊपर, जिसका मान दिया उसको नीचे, और जो एक्चुअल मान दे रखा उसे क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ए को भाई इतना काम करने का पैसा मिलता है और ए को और लाभ कितना मिलेगा बच्चा, इतना मिलेगा, 8 से भाग दे दो, 8 एक 8, 8 0 0, 8 8 64, 1080, 1080 गुणे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300, 3 8 24 2, और 3 एक 3, 3240 ये मिलेगा, 3240 क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, लेकिन साथ में बच्चा क्या मिल रहा है, 960 रुपए प्रबंधन का भी मिल रहा है, तो ये भी इसको जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 0 9 2 11 1 12, 4200 रुपए हमारा क्या गया आंसर। देखो ये वाला तरीका मैंने आपको इसलिए बताया कि भाई हम लोगों ने रेशियो पढ़ रखा है, मान लो अगर आपको कोई और भी चीज पूछता, जो अभी पूछा है इसके अलावा और भी कोई चीज पूछता, तो हम लोग इस तरीके से कुछ भी कैलकुलेट कर सकते थे, ये ए का टोटल हिस्सा है, पैसे के हिसाब से इसको इतना मिला, बी को इतना मिला, और ए को प्रबंधन का इतना मिलेगा, तो मतलब ये हमारा क्या है रेशियो के हिसाब से हम लोगों ने क्या है सारी चीजें ब्रेक कर ली। अगर किसी सवाल में आपको इसकी जरूरत पड़ी तो आप आसानी से इसको ब्रेक कर सकते हो, तो ये भी आपको चीज समझ में आनी चाहिए कि इसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा सवाल था ये इतना बड़ा था नहीं, ये और आसान था, इसको हम लोग छोटे तरीके से आसानी से भी ब्रेक कर सकते थे। भाई ए को प्रबंधन का 10% मिलता है टोटल का, तो टोटल का 10% प्रबंधन के लिए निकाल दिया, बाकी पैसा इतना बचा लाभ, इसको किस रेशियो में बांट लेना है, जिस रेशियो में पूंजी लगे, तो इसको इस रेशियो में बांटा, तो ए को कितना मिल गया बच्चा, इतना मिल गया, ये रेशियो के हिसाब से मिला है और ये प्रबंधन का मिला है, तो टोटल ए को कितना मिल गया, इन दोनों को क्या कर दिया बच्चा, जोड़ दिया, क्लियर हो गया। आगे बढ़े अगले सवाल के लिए, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ए बी और सी ने किसी बिजनेस में 4:5, 5:7 के अनुपात में निवेश किया, सी स्लीपिंग पार्टनर है अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा अगर वह वर्किंग पार्टनर होता। देखो पीछे वाले सवाल में हमें क्या है कुछ अलग तरीके का स्लीपिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई जो एक वर्किंग है एक स्लीपिंग है, तो जो वर्किंग वाले को है उसको टोटल लाभ का 10% मिल जाता। इस सवाल में क्या कह रहा है कि जो स्लीपिंग पार्टनर है उसको जितना लाभ मिलता है उसका क्या मिलेगा, आधा मिलेगा, बाकी यदि उन्हें 3600 रुपए का लाभ होता है जिसमें से वे 25% बिजनेस में पुनः निवेश कर देते हैं तो बी को कितना मिलेगा।
अब देखो इसमें कई बार क्या होता है कि जो हमें लाभ मिलता है वो हम क्या करते हैं कि अपने बिजनेस में दोबारा लगा देते हैं। अगर भाई लाभ में कुछ पैसा अगर अपने बिजनेस में दोबारा लगा दिया है तो वो लाभ के तरीके नहीं होगा, उसको हम क्या लगा देंगे, उसको हटा देंगे, उसको हम क्या कर देंगे बच्चा हटा देंगे। जो बाकी पैसा बचेगा उसी को हम लोग क्या करेंगे बच्चा बांटेंगे। देखो क्या कह रहा है, ए बी सी ने किसी बिजनेस में किस अनुपात में पैसा लगाया, 4:5:7 के अनुपात में, इस अनुपात में पैसा लगाया। ए ने अगर इतना लगाया है तो बच्चा बी ने कितना लगाया, इतना, और सी ने कितना लगाया, इतना। ये पैसे का अनुपात है। समय की बात कर रहा है, कोई समय की बात नहीं कर रहा भाई, इसका मतलब यह है कि सभी लोगों ने बराबर बराबर समय के लिए लगाया। और क्या कह रहा है, स्ली स्लीपिंग पार्टनर, अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा अगर वह वर्किंग पार्टनर होता। अगर यह वर्किंग होता तो बच्चा इसको कितना मिलता, 7, लेकिन अब इसको क्या मिलेगा, इसका आधा। अब 7 का आधा तो होगा नहीं, 3.5 हो जाएगा। मैं क्या करता हूं, इन सब में 2 का गुणा कर देता हूं। तो भाई पहले 2 का अगर गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 8, ये कितना हो जाएगा, 10, और ये कितना हो जाएगा, 14। इस रेशियो में इनको लाभ मिलता। लेकिन भाई क्या कह रहा है कि सी को 14 लाभ नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, इसका आधा मिलेगा, कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। कहने का मतलब इसको कितना मिलेगा, 7। अगर इसको 7 मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा। अब देखो दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि भाई इसको पहले 14 मिलने वाला था, अब इसको 7 मिलेगा, तो बाकी 7 कहां जाएगा। अब आपको लग रहा है बाकी 7 के लिए कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें सवाल में यह दिया होता है कि जो इसका 7 है उसको इन दोनों में बांटना है, और कई बार यह इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता। जब यह इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता है तो यह समझना होता है कि भाई अगर ए को 8 मिलेगा तो बी को 10 मिलेगा, यह तो क्लियर है। सी को 14 मिलता, लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, सी को 14 नहीं मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, 7, और ए और बी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया, इसका मतलब यह है कि ए और बी को उतना ही मिलेगा जितना पहले मिल रहा था। तो भाई अगर स्टार्ट में ए को 8 मिल रहा था और बी को 10 मिल रहा था, तो ए को अभी भी 8 मिलेगा, बी को अभी भी 10 मिलेगा, लेकिन अगर सी को 14 मिल रहा था पहले तो सी को अब कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। पहले भाई जो हमारा पैसा इस रेशियो में बटना था, अब वो हमारा पैसा किस रेशियो में बट जाएगा, इस रेशियो में बट जाएगा। टोटल कितना हो गया, 8, 7, 15 और 10 मिला के कितना हो गया, 25। इसका मान दिया हुआ, किसका मान निकालना है, तो बी का कितना हिस्सा, 10 का मान निकालना है। तो भाई इस हिसाब से तो सारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन भाई ये हमारा कुल लाभ है और इसका 25% मतलब 1/4 कितना हो गया बच्चा, 9000। 9000 दोबारा बिजनेस में लगाते तो 36 में से 9000 घटा दो, ये कितना बचा, 27000। 27000 को ये लोग क्या करेंगे, आपस में बांटेंगे। 27000 को आपस में बांटेंगे, किसका मान निकालना है, 10 का। किसका मान दिया, 5 का। जिसका मान निकाला उसको ऊपर, जिसका मान दिया उसको नीचे, और जो एक्चुअल मान दे रखा उसे क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब देखो भाई ऊपर 9 है तो 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, ये 9 से डिविजिबल नहीं, ये हमारा आंसर नहीं होगा। देखो 5 से कट जाएगा, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, ये कितना हो गया, 27 × 2 = 54, 5400, और बटे में 5, 5 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 10, और बटे में 2, तो ये क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा, 54 × 2 कितना होता है, 108, तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 कम है क्या, 27000 है। यहां पे 10 बढ़ा लो, यहां पे 10 बढ़ा लो, ये काट दो, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 108, और बाद में 20, ये कट जाएगा। भाई नीचे 5 लिखा था, 5 को मैंने 10/2 लिख दिया, 54 × 2 कितना हो जाएगा, 108, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10800, ये हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। बोलो बच्चा क्लियर हो गया। तो भाई स्लीपिंग पार्टनर का जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा वो आपको सवाल में ही दिया रहेगा कि उसको भाई हमें किस तरीके से हल करना है, ठीक है। बट ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल हो गया, पीछे वाला हल्का था, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल। आगे बढ़ते हैं, जो स्लीपिंग पार्टनर में पहले वाला सवाल किया था, अगर रेलवे के एग्जाम में आएगा तो भाई उस तरीके का लेवल आएगा, अगर SSC वगैरह के एग्जाम में आता है तो दूसरे टाइप वाला सवाल। दो आदमी रमेश और सुरेश क्रमशः 15000 और ₹25000 एक व्यापार में निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में दोनों का 10000 का लाभ होता है। वे अपने लाभ का 12% क्या करते हैं, फिर से व्यापार में लगाते हैं। अगर ₹10000 लगा मिला है उनको लाभ में, तो इसका 12% फिर से किस में लगा दिया, व्यापार में, तो बाकी जो पैसा बचा होगा वो लाभ में बांट रहे होंगे। बची हुई राशि में से प्रत्येक हजार लेते हैं तथा फिर से बची हुई राशि को उनके मूल निवेश के अनुपात के अनुसार बांट लेते हैं। इसमें क्या किया है कि लाभ को बांटने के लिए उसने एकदम अलग से ही नियम बना दिया, क्या कि पहले जो लाभ हुआ उसका 12% कहां चला जाएगा, वापस बिजनेस में चला जाएगा, बाकी जो पैसा बचेगा उसमें भाई दोनों 1000-1000 ले लेंगे, और फिर जो बाकी पैसा बचेगा उसको किस रेशियो में बांट लेंगे, ये जो पैसा लगा रहा है उस रेशियो में बांट लेंगे। अगर ये 15000 लगा रहा है, ये 25000 लगा रहा है, तो भाई रेशियो कितना आ जाएगा, 5 से काट दोगे, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15। भाई कौन है, एक रमेश है और एक सुरेश है,
तो इनकी पूंजी का अनुपात बच्चा कितना हो जाएगा, इनकी पूंजी का अनुपात हो जाएगा, ये अगर 3 पैसा लगा रहा है तो ये कितना है 5, ये तो अंत में बांटना है। पहले क्या करना है भाई, 10,000 का लाभ हुआ उसका 12%, 10,000 का टोटल लाभ था, इसमें से 12% कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा भाई, 2 जीरो कट जाएंगे, 1200 ये हो गया, ये हमने पूंजी में लगा दिया वापस, तो भाई इतना लाभ था इतना वापस बिजनेस में लगा दिया, तो कितना लाभ बचा, बच्चा 8800 लाभ बच गया। अब क्या कह रहा है कि इस लाभ को सीधे सीधे इस रेशियो में नहीं बांटना है, क्या कह रहा है कि भाई 1000 रुपए इसको दे दो और 1000 रुपए इसको दे दो, कितने कर दो, 2000 रुपए और कम कर दो, 2000 और कम कर दिए तो 0, 0, 8 और 6 कितने बच गया बच्चा 6800, इस 6800 को अब इस रेशियो में बांट देना है, अगर इसको 3 मिलेगा तो इसको 5 मिलेगा, टोटल कितना हो गया 8, 8 का मान किसके बराबर हो गया 6800, किसका पैसा निकालना है बच्चा, रमेश का हिस्सा निकालना है, किसका निकालना है रमेश का, 3 का मान निकालना है, 3 का मान निकालना है, 8 का मान दिया है और 8 का मान कितना दे रखा है बच्चा 6800, 8 से भाग दे दो, 8 × 64 4 बच्चा 8 × 5 = 40 और 0 3 से गुणा करो, 3 × 5 = 15 3 × 8 = 24 = 25 2550 मिला, लेकिन ये कितने में से 6880 में से जो बांटा है तब कितना मिला है बच्चा 2550 मिला, बाकी किसको मिला होगा, इसको मिला होगा, हमें इसके बारे में पूछा नहीं तो इसको निकालने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम रमेश की बात करें तो रमेश को टोटल कितना मिला है भाई, 1000 पहले मिला था और बाकी बचे पैसे को इस रेशियो में बांटा है, तो टोटल कितना पैसा मिल गया है बच्चा रमेश को, 3550 रुपए मिल गया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कहने का मतलब अगर सवाल में भाषा कुछ अलग दी है तो हम भाषा के हिसाब से सवाल को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। क्लियर हो गया बच्चा, आगे बढ़े, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये देखो ये थोड़ा सा अलग सवाल है, ये आप पार्टनरशिप का सवाल नहीं है, ये आप कह सकते हो कि ये बच्चा रेशियो का सवाल है, ये किसका सवाल है, रेशियो का सवाल है, और ये बहुत कम होता है कि इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में आए, ये बहुत ही कम होता है कि इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में आए, बट अगर आएगा तो आप कैसे करोगे, आपको डरना नहीं, ये जो सवाल है बहुत ही लंबा है, बहुत ही कैलकुलेटिव है, और इसका कोई शॉर्टकट मेथड भी नहीं है कि आप किसी शॉर्टकट मेथड से या तरीके से आप इसको हल कर सको, इसका जो प्रोसेस है बच्चा बहुत ही लंबा है और उसी लंबे मेथड से हमें इसको करना पड़ता है, लेकिन ये टाइप आप एक बार गुजर जाओ। देखो हमने रेशियो पढ़ा, हमने एज पढ़ा, हमने पार्टनरशिप पढ़ा, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमने रेशियो में डिस्कस करना चाहिए था, बट पार्टनरशिप में भी वही है भाई, बांटना ही है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं रेशियो में कुछ पैसा किसी रेशियो में बांटते हैं, उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है, यहां पे हम लोग क्या करते हैं प्रॉफिट को बांटते हैं। कह रहा है 600 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को शेयर का 2/5 से 40 मिले अधिक, बी के शेयर का 2/7 से 20 अधिक तथा सी के शेयर का 9/17 से 10 अधिक बराबर है। बहुत ही अलग टाइप का सवाल है, पहले तो हम भाषा को समझते हैं। मान लो ए का शेयर ए है, बी का शेयर बी है, सी का शेयर सी है, तो क्या कह रहा है ए के शेयर का 2/5 से, इसका 2/5 कितना हो जाएगा बच्चा 2/5 से 40 अधिक +40, क्या कह रहा है बी के शेयर का 2/7, बी के शेयर का 2/7 और इससे कितना अधिक 20 अधिक, फिर क्या कह रहा है सी के शेयर का 9/17 से इससे कितना अधिक 10 अधिक, ये बराबर है, ये बच्चे आपस में क्या है बराबर है, तो कह रहा है कि ए का शेयर कितना होगा। अगर टोटल हमारा कितना है, अगर मैं बात करूं टोटल क्या था बच्चा, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना था 600 था, इस तरीके से दिया हुआ। तो इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, इसको आपको प्रॉपर बेसिक तरीके से ही हल करोगे तो आसानी से आएगा। देखो इसमें क्या करते हैं बच्चा, इसमें हम लोग ये करते हैं कि ये जो ये संख्या है ये इसके बराबर है और ये संख्या इसके बराबर है, चाहे आप इसको इसके साथ चाहे आप इसको इसके साथ हल करके क्या कर सकते हो कि इक्वेशन बना सकते हो, समीकरण बना सकते हो, या इन सबको ध्यान से देखना बच्चा हम लोग कैसे करेंगे, इन सबको एक अलग संख्या किसके बराबर मान लेते हैं, के के बराबर मान लेते हैं, इन सबको एक अलग संख्या किसके बराबर मान लेते हैं, के बराबर मान लेते हैं, और हम क्या करते हैं बच्चा के का मान निकाल लेते हैं, सॉरी के टर्म में ये सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे अगर भाई ये इसके बराबर ये इसके बराबर है, तो ये तीनों आपस में बराबर किसके बराबर कर दिया, के बराबर। अब यहां से ए का मान निकालेंगे, यहां से बी का मान निकालेंगे, यहां से सी का मान, ए बी सी तीनों का मान किसके टर्म में बचा आ जाएगा, के का मान, और इस ए बी सी का मान बचा यहां पे कहां पे रखेंगे, यहां पे, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, के का मान आ जाएगा, के का मान आ जाएगा, तो यहां पे ए बी और सी का मान दिया होगा, हम क्या निकालेंगे मान निकालेंगे। देखो ए का मान कैसे निकालेंगे भाई, अगर ये के है तो के में से 40 घटाओ
पांच का गुणा करो दो से भाग दे दो भाई, अगर इसको इसके साथ लेंगे तो ये 40 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा के माइनस 40। और यहां पे 2/5 है तो भाई 5 ऊपर गुणे में चला जाएगा, 2 किस में चला जाएगा भाग में चला जाएगा, तो बच्चा कितना हो जाएगा 5/2। तो जो a का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा k माइनस 40 गुणे 5/2। इसी तरीके से b का मान आएगा, इसी तरीके से c का मान आएगा, और ये सब किसके टर्म में आ जाएंगे k। और इन सब का जब मान उठाकर यहां पे रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा k का मान, और k का मान जब दोबारा वापस यहां पे रखेंगे तब किसका मान मिल जाएगा बच्चा ए बी सी का, जिसका भी हमें निकालना है a का मान निकालना है तो a का मान। इसी तरीके से अगर b का मान निकालना है तो k में से क्या कटेगा 20, और ये 7 गुणे में जाएगा और 2 किस में जाएगा भाग में जाएगा। इसी तरीके से अगर हम सी की बात करेंगे तो के में से 10 घटेगा, क्या हो जाएगा बच्चा 17 गुणे में जाएगा और 9 किस में जाएगा भाग में जाएगा। इन तीनों को जोड़ोगे किसके बराबर बनाना है बच्चा 600 के बराबर, तो ये हो गया के माइनस 40 गुणे 5/2 प्लस के माइनस 20 गुणे में कितना हो जाएगा 7/2 गुणे में कितना हो जाएगा बच्चा सॉरी प्लस में, ये सब प्लस में, प्लस के माइनस 10 और गुड़े में बच्चा कितना हो जाएगा 17/9, और ये टोटल किसके बराबर है बच्चा 600 के बराबर है। अब आप देख रहे हो कि भाई हमारा किसी भी स्टेप में कैलकुलेशन आसान नहीं हो रहा है, कोई भी हमारा रेशियो नहीं लग रहा, कोई भी हमारा शॉर्टकट मेथड नहीं लग रहा है, किसी भी तरीके से हम नहीं कर सकते। एक और तरीका था कि भाई ऑप्शन से करते, लेकिन ऑप्शन से करने जाते तो भाई हमारा कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा होता। अगर हम इसको ऑप्शन मानते तो पहले ए का हिस्सा निकालते, ए के हिस्से का 2/5 करते, उसे 40 जोड़ते, फिर बी के हिस्से के 2/7 प्लस 20 के बराबर करते, बी का हिस्सा आता, फिर सी का हिस्सा निकालते, फिर तीनों को जोड़ते 600 बनाते। लेकिन भाई ऑप्शन चेक करने में भी आपको बहुत समय लग जाएगा। अगर मान लो गलती से आपने दो गलत ऑप्शन चेक कर लिया और तीसरा ऑप्शन सही निकला या चौथा निकला तो फिर बहुत टाइम नुकसान हो जाएगा, इवन दो इसमें भी हमें बहुत सारा समय लग रहा। देखो यहां पर 2 है, यहां पर 2 है और यहां पर 9 है, तो मैं क्या करता हूं पूरे समीकरण में अगर मैं 9 का गुणा कर दूं, किसका गुणा कर दूं 9 का सॉरी 18 का गुणा कर दूंगा, तो बच्चा देखो क्या आ जाएगा k माइनस 40 और गुणे में कितना आ जाएगा 18 का गुणा करूंगा तो यहां पे कितना बचेगा 45 बचेगा। अब देखो अगर मैं यहां पे गुणा करूंगा तो कितना बचेगा k माइनस 20 और गुणे में 9/7 63 बचेगा। इसी तरीके से यहां पे क्या बचेगा 2 बचेगा 34 हो जाएगा, k माइनस 10 और गुणे में कितना हो जाएगा 34 बराबर कितना हो जाएगा 600। अभी भी देख रहे हो कैलकुलेशन आसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये कैलकुलेशन क्या है आसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आगे क्या करेंगे बच्चा, इस 45 का गुणा इसमें, इस 63 का गुणा इसमें, इस 34 का गुणा इसमें, इससे बच्चा क्या निकालेंगे के का मान निकालेंगे। के का मान बच्चा मैं आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, अगर आप हल करोगे जैसे इस सवाल में आया तो इस तरीके से हल करोगे, दूसरा सवाल आएगा तो उस तरीके से हल करोगे। अब देख रहे हो कैलकुलेशन बहुत बड़ा है, इसका गुणा इसके साथ, 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 के को सारा एक तरफ कर लोगे, नंबर को सारा एक तरफ कर लोगे तो बच्चा क्या आ जाएगा के का मान आ जाएगा। मैं आपको के का मान डायरेक्ट बता दे रहा हूं और उसके बाद में मैं क्या करूंगा आपको फिर ए का मान निकाल के दिखा दूंगा कि भाई हमारा ए का मान कितना आ रहा है। ठीक है, के का मान देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, मेरे पास में इसका सोल्यूशन एक सेकेंड रुको, के का मान कितना आ जाएगा, के का मान आ जाएगा 100, के का मान आ गया बच्चा 100। अगर के का मान 100 है तो यहां पे रख दोगे, ये कितना हो जाएगा 100 में से 40 घटेगा 60, 60 गुणे 5 करोगे कितना आ जाएगा 300, 300 का आधा करोगे बच्चा कितना आ जाएगा 150, ए का हमारा हिस्सा कितना हो जाएगा 150। अब ये देखो इसका कोई आसान मेथड नहीं है, अगर आसान होता तो मैं ऑलरेडी आपको आसान मेथड ही बताता, ये सबसे आसान था। दूसरा हमारा ऑप्शन से चेक करने का था, तो ऑप्शन से चेक करने में अगर आप फास्ट हो, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तो आप जल्दी जल्दी चेक कर सकते हो, पहले इसको चेक कर लो, फिर इसको चेक कर लो, फिर इसको चेक कर लो। और हमेशा याद रखना कि भाई 5/5 है तो 5 से भाग जाना चाहिए, और 5 से वैसे सभी में भाग जा रहा है। ठीक, तो भाई फिर आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते, बहुत टाइम लग जाता। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर इस तरीके का कोई सवाल आएगा जिसमें ए के कुछ हिस्से में कुछ जोड़ रहे हैं, बी के कुछ हिस्से में कुछ जोड़ रहे हैं, सी के कुछ हिस्से में कुछ जोड़ रहे हैं और ये सब बराबर कर रहे हैं तो किस तरीके से करोगे, इसको के का मान मान लोगे, ए का मान निकालोगे, बी का मान निकालोगे, सी का मान निकालोगे, किस टर्म में के टर्म में, और वापस इन सबको जोड़ दोगे तो किसके बराबर आ जाएगा जो टोटल हमको बांटना है। ठीक है, तो भाई हमारा पार्टनरशिप भी खत्म हो गया आज, पूरा का पूरा पार्टनरशिप के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए, कोई भी कॉन्सेप्ट अब बचा नहीं है। जो भी सवाल रहेगा, अगर कोई कॉन्सेप्ट बनेगा तो वो सवाल के हिसाब से कॉन्सेप्ट बनेगा, मतलब सवाल की भाषा बदल दोगे तो नया सवाल बन जाएगा।
तो आप जितने भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं, चाहे वो रेलवे के हो, चाहे किसी भी एग्जाम के हो, आप ट्राई करके देखो। अगर कोई सवाल नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हो, और दो तीन सवाल मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए भी सीट में डाल दिया, सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से हैं, आप उनको ट्राई करना। अगर कोई क्वेश्चन फंसे तो आप मेरे को मैसेज करना, ठीक है। तो हमारा एज भी खत्म हो गया, हमारा पार्टनरशिप भी खत्म हो गया, हमारा रेशियो भी खत्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चा मिक्सर और एलिगेशन। ओके चलो बाय बाय।